मेरी इच्छा ये है कि आपका जो भी नाम है उस नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए एंड डेफिनेटली अगर आप मेहनत करेंगे अगले चार महीने अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करेंगे अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को साइड पर रख के चलेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका नीट इस साल क्रैक ना हो तो ठीक है बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं

कैन आई ब्रिंग वन गुड न्यूज मैं फटाफट फड़ से एक गुड न्यूज आज सुना सकती हूँ ये टेस्ट सीरीज अब हर हफ्ते होगी इस हफ्ते भी आपकी टेस्ट सीरीज है और इस हफ्ते वाली टेस्ट सीरीज में आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ रहा है साथ ही छोड़ती नहीं है थ्योरी भी पूरी हम अच्छे से करते हैं स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस भी पूरी करते हैं एंड टेस्ट सीरीज भी करते हैं तो जैसा हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ किया वैसा ही हम हर चैप्टर के साथ करने वाले हैं यानी कि आज की इस कक्षा के बाद सात बजे शाम को हम लोग मिलने वाले हैं इस या इस आपको दिख रहा होगा चार्ट सेक्शन में पिन किया हुआ है मैंने यहाँ पर दिखता है कुछ बच्चों को कुछ बच्चों को यहाँ दिखता है तो जहां भी आपका चैट सेक्शन है उसमें आप ऊपर पिंड कमेंट्स देखिए वहां पर मैंने स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास होती है एक फ्री क्लास होती है जो कि अन अकेडमी की ऐप पर होगी कोई जैसे YouTube है वैसे ही वो ऐप है वहां पर आपको आना है

थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स और थाउजेंड ऑफेंट्स एक्चुअल में क्लास में होते हैं तो जैसे ही हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे वैसे ही बेटा हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और एक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आज भी करेंगे कल भी करेंगे we'll क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज में ही में भी आ रहा है सबसे पहले जितने बच्चे आ गए हैं फटाफट से सब बच्चे लाइक कर दे सेशन को ठीक है बेस्ट क्रैश कोर्स फुल सिलेबस डिटेल्ड कवरेज एक एक चीज मैं आपको कराने वाली हूँ एक एक चीज मतलब बी इट इन एनी कॉर्नर नुक एंड कॉर्नर ऑफ एनसीआरटी वो आप करके जाएंगे यहाँ पर मेरी क्लास का सिर्फ एक ही हमेशा टारगेट होता है कि जो बच्चा आए वो इस तरीके से तैयारी करे कि ये दो घंटे ये डेढ़ घंटा दैट सेट फॉर बायोलॉजी थ्योरी इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है कुछ नहीं करना है बस जाकर 15 टू 20 मिनट्स में फटाफट -फड़ से अपने नोट्स और एनसीआर रिवाइज कर लोगे इतना ही समय लगेगा फिफ्टीन सच में इतना ही समय लगता है अगर आपने इस क्लास को अच्छे से अटेंड किया है ठीक है जी अगर आपने इस क्लास को अच्छे से अटेंड किया है बाकी बेटा जब आप अन अकेडमी की ऐप पर जाएंगे वहां पर आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी उस प्रोफाइल में बेटा मुझे क्या कर लेना फॉलो कर लेना ठीक है फटाफट से फॉलो कर लेना अगर आपको कोई भी लेक्चर मेरा देखना हो यूट्यूब पर तो आपको सिर्फ मेरा नाम सर्च करना है और चैप्टर का नाम सर्च करना है दैट्स इट ठीक है आप यूट्यूब पे मेरा नाम डालेंगे चैप्टर का नाम डालेंगे आपको मिल जाएगा हर फॉर्मेट में सारी चीजें कराई हुई है चाहे आप डिटेल फॉर्मेट में कुछ देखना चाहते हैं इलेवन ट्वेल्थ का आप क्रैश कोर्स में देखना चाहते हैं आप फास्ट ट्रैक में देखना चाहते हैं इन फैक्ट टेन मिनट्स में देखना चाहते हैं I have a series with the name neat in 10 minutes कुछ बच्चों को नहीं पता होगा जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दस दस मिनट में कराए हुए हैं बीट सी थ्री सी और काउंटर करंट मैकेनिज्म और रेथ्रोग्लास फिटालिस और और तुम नाम बताओ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये सब चीजें मैंने 10 10 मिनट में कराई हुई है तो आप जाइए 10 मिनट लैक ऑफर ऑन जहां से सवाल आते हैं और जो बच्चों को टिपिकल लगता है वो मैंने टेन मिनट्स में डाला हो तो तुम यूट्यूब पर डालोगे सीप पाह नीट इन टेन मिनट्स ठीक है आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड उस प्लेलिस्ट से आप डेफिनेटली अपना फायदा कर सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको बुरे लगते हैं हमेशा भूलते हैं उसको कर सकते हैं चलिए आ जाते हैं हम ट्रेंड एनालिसिस

यू हैव टू कीप योर हैंड मूविंग आपके पेंसिल चलनी चाहिए कॉपी पे पेन चलना चाहिए चाहे आपने मेरे नोट्स पहले बनाए हुए हैं आपके पास है नोट्स मत बनाओ बट थोड़ा थोड़ा कुछ स्क्रिबल करो क्योंकि ऐसे बैठ जाओगे तो चार बजे का समय है नींद खूब आती है अभी अभी आपने दाल चावल खाया होता है लस्सी पी होती है तो उसके बाद तो बेटा सिर्फ नींद ही कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव तो हेल्थ नहीं समझ सकते ठीक है जी तो लेकर आना नहीं नहीं निकाला तो फटाफट से निकाल लो अच्छा तो इस चैप्टर में से जनरली कितना पोर्शन आता है

ठीक है हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ी हमने स्पोमेटोजेनेसिस ऊ जेनेसिस फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन पार्चुरेशन लैक्टेशन कितना कुछ पढ़ा और उसमें से चार क्वेश्चन आ रहे हैं या पांच आ रहे हैं यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ेंगे और इस थोड़े में से ही चार क्वेश्चन आ जाएंगे यानी कि जो ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि छोटे होते हैं पिन पॉइंट होते हैं और क्वेश्चन का नंबर ज्यादा होता है वो वो चैप्टर्स आपके फेवरेट होने चाहिए क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे एंड आपको बड़ा मजा आएगा इसको करने में तो यानी कि 16 नंबर आज की क्लास से आप लेकर जाने वाले हैं 16 मार्क्स आज की क्लास से लेकर जाने के लिए रेडी सारे बच्चे रेडी कि नहीं रेडी बताओ यस yes, मेरे बच्चों <coughs>

इतने सारे बच्चे आ चुके हैं सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपनी कॉपी निकाल लीजिए फटाफट से सेशन को लाइक कर दो मैं शुरू कर रही हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से दैट इज जनन स्वास्थ्य क्या होता है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ हेल्थ की डेफिनेशन हमें दी थी हमारे रिस्पेक्टेड ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने बताया था हेल्थ हेल्थ की बात कर रहे हो सिर्फ हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग चैप्टर का नाम सिर्फ हेल्थ नहीं है हेल्थ के लिए तो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजे यानी एच डी पढ़ते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि यहां पर हम कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल किसके वेलबींग की बात कर रहे हैं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उससे रिलेटेड सारे ग उससे रिलेटेड आपके इमोशंस उससे रिलेटेड बेटा जी जितने भी बॉडी में चेंजेस होते हैं ये सारी चीजें हम लोग किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन भी हमें कौन दे रहा है हमें बेटा जी डेफिनेशन डब्ल्यू एच ओ ही दे रहा है इट इज अ टोटल वेल्बिंग क्या है बेटा जी ये भी टोटल वेलबिंग well है इट इज अ टोटल वेल्बिंग इन ऑल आस्पेक्ट किसके एस्पेक्ट्स बेटा जी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसमें आ जाएगी बेटा जी आपकी फिजिकल हेल्थ क्या मतलब फिजिकल हेल्थ ऑफ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब फिजिकली अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पॉम फाइन ऑल द ड सिस्टम आर ओपन टाइमली मैनर में स्पॉर्म निकल रहा है सही कंसनट्रेशन में टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है यानी कि वो चीज हो जाएगा इसका फिजिकल आस्पेक्ट एक और एस्पेक्ट बेटा जी इसमें आ जाएगा दैट इज इमोशनल एस्पेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी इस पे कोई जरूरी ज्यादा तवज्जो नहीं देता जनरली बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे जैसे बेटा बच्चा जो है चाइल्डहुड का जो फेज है वो जब एडल्टहुड में आने लगते हो या फिर आप प्यूबर्टी फेज में आने लगते हो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं फिजिकली तो चेंज हो ही रहा है फिजिकली आपके सेक्सुअल ऑर्गन में च्योर हो रहे हैं साथ ही में देर इज एन इमोशनल चेंज वाई बिकॉज सडनली बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स आते हैं जो बॉडी ने कभी फील ही नहीं किया 12 साल से पहले टेस्टोस्टेरोन आदमी ने फील ही नहीं किया था 12 साल 11 साल से पहले एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन फील ही नहीं किया था जब अचानक से ये हॉर्मोन्स का स्पाइक आता है एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन तो बेटा बॉडी में इमोशन वाइज मूड स्विंग्स वाइज बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो उसका भी आपको प्रॉपर वेल्बिंग well ये चैप्टर बताता है ठीक है साथ ही में इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट बिहेवियरल एस्पेक्ट

मुझे नहीं पता आज के टाइम पे स्कूल में कितना ओपनली इसको डिलीवर किया जाता है बट दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम टीन एज पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन इसके लिए बहुत अवेलेबल है मार्केट में मैंने खुद बच्चों को पता नहीं क्या क्या बोलते हुए क्या क्या कथाएं क्या क्या कहानियां बनाते हुए सुना है विच इज एपोलूटली फॉल्स दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन तो मुझे नहीं पता आपने स्कूल में इसको कितने अच्छे से सुना है कितने अच्छे से समझा है आज आप इस चैप्टर को बहुत खुले दिमाग से यहां पर सुनिएगा समझिएगा और अगर आपको जरूरत पड़े अपने नॉन मेडिकल फ्रेंड्स को कॉमर्स फ्रेंड्स को आर्ट्स फ्रेंड्स को या फैमिली में किसी को भी इसकी शिक्षा देने की तो जरूर इस शिक्षा को स्प्रेड भी करिएगा बिकॉज इट इज नॉट जस्ट फॉर बिकमिंग डॉक्टर इट इज अ पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस इट इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन ठीक है जी तो इसमें बेटा जी हम वेलबिंग देखेंगे किसका बिहेवियर वाइज भी क्योंकि बिहेवियर वाइज भी चेंज आता है एंड सोशल वाइज हाउ योर रिलेशनशिप इज विद द ऑपोजिट सेक्स और विद द सेम सेक्स और व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स आर देयर जिसकी वजह से सोसाइटी में आपका उठना बैठना कैसे इंपैक्ट हुआ है ये सारी चीजें बेटा जी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में आज के इस चैप्टर में अब बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हर कंट्री के अपने रूल्स हैं। उन्होंने सोचा हुआ है कि हम किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एड्रेस करेंगे प्रोसेसेस के बारे में कैसे फैमिली प्लानिंग करेंगे इंडिया ने भी बेटा जी इस पे कदम उठाया And आपको प्राउड होगा आपको गर्व होगा दैट इंडिया इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पहली कंट्री है बेटा जी टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ठीक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग को एक, uh, you know, mass, एक बड़े लेवल पर डाल दिया था जिसको उन्होंने नाम दिया आरसीएच क्या नाम दिया आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड चाइल्ड इनिशिएटिव. इंडिया इज अ पाइनियर कंट्री टू टेक इनिशिएटिव इन दिस एंड ये उन्होंने लॉन्च किया ये अपन ने लॉन्च किया वी ऑल आर इंडियन हमने लॉन्च किया नाइनटीन फिफ्टी वन में किसमें लॉन्च किया नाइनटीन में तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है फिफ्टी वन में इस प्रोग्राम में क्या क्या इनिशिएटिव्स एक्चुअल में लिए गए क्या क्या चीजें थी जो इस प्रोग्राम में बेटा जी इंक्लूड करी गई कर ले कर लें इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई देखिए बेटा इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात की गई फैमिली प्लानिंग की ठीक है किसकी बात की गई फैमिली प्लानिंग की गवर्नमेंट ने बेटा जी तरीके निकाले कि किस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी थोड़ी देर में मैं आपको स्टार्ट बताऊंगी दिखाऊंगी कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड के कंपेरिजन में कैसे सरपास कर चुकी है मतलब इट्स लाइक हिटिंग द रूफ आपको पता है ना हम फर्स्ट आने वाले हैं जिसमें हमें आना नहीं है लेकिन हम फर्स्ट आने वाले ये चाइना इज अ फर्स्ट कंट्री मोस्ट पॉपुलेटेड वन एंड उसके बाद अपना नाम है इंडिया जिस स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं हम फर्स्ट भी आ सकते हैं लेकिन हमें फर्स्ट आना नहीं है तो उस समय भी यही इशू था तो इसी एच प्रोग्राम में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में देखिए फैमिली प्लानिंग अ इनिशिएटिव जो कि कि लिया गया यानी इस समय बहुत सारे प्रिंट मीडिया का यूज किया न्यूज़पेपर आपके एफएम रेडियो आपके टीवी जो भी उपलब्ध संसाधन थे वहां पर यूज किया और ऐसे स्लोगन्स और ऐसी चीजें ऐसे इंसेंटिव देने की कोशिश करी जिससे जो परिवार है वो अपने घर पे जो नंबर ऑफ बच्चे हैं उनका नंबर कम रखे ठीक है जैसे आपने सुना होगा हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे तो ये सब स्लोगन गवर्नमेंट के द्वारा पॉपुलराइज किए जाते हैं ताकि लोग जनता जो है वो अवेयर हो कि अगर आपके परिवार में कम बच्चे होंगे तो आप उनको फाइनेंशियली भी ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे एजुकेशन वाइज भी कर पाओगे एंड उनका हेल्थ केयर भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे क्योंकि हो क्या रहा था बहुत सारे बच्चे होने की वजह से किसी को भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही थी एजुकेशन नहीं मिलती है तो फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता एम्प्लॉयमेंट नहीं होती तो फिर वो पॉवर्टी का जो सर्कल है ना वो चलता रहता है तो इस प्रोग्राम में आपका फैमिली प्लानिंग का भी इनिशिएटिव लिया गया था ठीक है? फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव लिया गया था हेल्थ के बारे में और करने का। हेल्थ आप जानते हैं बेटा ज्यादा समय नहीं हुआ कुछ ही समय पहले मतलब ago, बहुत पुरानी बात करें तो पहले तो ये चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता था पॉइंट ऑफ टीचिंग ह्यूमन रिपोर्टक्शन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टीचिंग रिप्रोक्टिव हेल्थ ये क्यों पढ़ाया जा रहा है एक्चुअली में बेटा जी ये इसी का इनिशिएटिव है इट इज द इनिशिएटिव ऑफ आरसीएच प्रोग्राम की हम लोग ना स्कूल में एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करते हैं धीरे 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 करके जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम है वैसे ही एक बच्चे को अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम उससे रिलेटेड चेंजेस उससे रिलेटेड हॉर्मोन इनके बारे में पता होना चाहिए तो ये आरसीएच का ही इनिशिएटिव है जिसमें सेक्शुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस के लिए सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया किस इंट्रोड्यूस किया गया बेटा जी सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है साथ ही में फैमिली प्लानिंग के तौर पर यहां पर बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी कॉमन किए गए कि किस किस टाइप के बर्थ कंट्रोल मेथड्स करवाए जा सकते हैं जैसे गवर्नमेंट बेटा जी ऑलमोस्ट फ्री सेवा प्रोवाइड करती है फॉर ट्यूबेक्टमी एंडक्टमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ठीक है जी तो एक तरीके का इनिशिएटिव है कि इफ यू हैव कंप्लीटेड योर फैमिली देन यू कैन कैन कम टू वी डू द ट्यूबेक्टमी और द दासक्टमी पार्ट जिससे आप फ्यूचर में और यू नो चाइल्ड बियर ना करें एंड जो प्लानिंग है वो प्रॉपर रहे एंड जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ पाए ठीक है जी यस yes? और इस प्रोग्राम में बेटा जी क्या किया गया था इस प्रोग्राम में मदर और बच्चे कौन सी मदर प्रेग्नेंट लेडी प्रेग्नेंट मदर एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड न्यूबोर्न चाइल्ड की हेल्थ के बारे में भी बहुत अवेयरनेस आई थी पहले के टाइम पे बेटा जो डिलीवरी होती थी वो कोई भी कर देता था आके मतलब दे डिड नॉट नीड ट्रेन गायनेकोलॉजिस्ट और ऑप्सिट्रिशियन एनी यू नो क्वैक्स जिनको बोलते हैं जिनको थोड़ा बहुत उन्होंने देखा है पहले करते हुए बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे क्योंकि वो डिलीवरी तो कर देंगे बट उसके साथ आने वाली कॉम्प्लिकेशन कोई भी इशू हो जाए दे आर नॉट ट्रेन टू टैकल दैट ठीक है जी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बड़ा साथ ही में मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट मदर की डेथ बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ बढ़ गई अगेन बिकॉज प्रॉपर केयर तब नहीं मिलता था तो आरसीएच में इसको भी लिया गया कि हम लोग प्रेगनेंट मदर को यानी कि बिफोर बर्थ आफ्टर बर्थ मदर एंड न्यू बोर्न चाइल्ड को प्रॉपर केयर देंगे जिससे हमारा मोर्टेलिटी रेट इन फैंड मोर्टेलिटी एंड मटर्नल मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाए कम हो जाए ठीक है और इसके बारे में यहाँ पर किसके बारे में एजुकेट किया गया एस टी डीज के बारे में वट इज एस टी डी हांजी एस टी डी वो फोन कॉल तो नहीं है हमारे जमाने में होता था मुझे उस वाले एस टी डी की फुल फॉर्म नहीं है मुझे याद नहीं है इस वाले की तो पता है हमारे जमाने में बेटा मोबाइल नहीं होते थे हमारे मतलब वी टू बी किड्स लाइक इन की बात कर रही। बेटा मोबाइल तो बहुत दूर है लैंडलाइन भी नहीं होते थे जो तो मेरी मदर है वो यू नो किसी से भी बात करने के लिए हम लोग पीसीओ पे जाते थे हर शहर में पी होते थे और पीसीओ में आपको पैसे देने पड़ते थे कि आप विद इन स्टेट बात करना चाहते हो या फिर आउट ऑफ स्टेट तो आउट ऑफ स्टेट बात करने के लिए एस बूथ होता था तो वहाँ थोड़े ज्यादा पैसे लगते थे तो वो एस टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कौन से एस की बात हो रही है हाँ आपको नहीं पता होगा वो वाला टी डी पी एस टी डी और आई कॉल एस कॉल अब तो बेटा फोन आ गया है कहीं भी कॉल करो विद इन स्टेट विद इन कंट्री आउट ऑफ कंट्री कोई फर्क ही नहीं है है ना लेकिन पहले बहुत फर्क होता था तो जो बेटा ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी बात करी गई इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई ठीक है और यहाँ बात करी गई अबाउट मिस ऑफ मिस यूज ऑफ एमनियो अभी मैं अगले पेज पे आपको बताऊंगी एमनियो क्या होती है ठीक है एमनियो का मिस यूज नहीं होना चाहिए इसको बेटा जी uh, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए और फीमेल फिटिसाइट के लिए यूज करने के लिए बैन करा गया साथ ही में इसी इनिशिएटिव में बेटा इंडिया फिर एक जगह फर्स्ट आ गया और वो बड़ी अच्छी चीज है इंडिया इज अ फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस नॉन हॉर्मोनल नॉन हॉर्मोनल एंड नॉन स्टेरॉयडल पिल ठीक है नॉन हॉर्मोनल रिसर्च तो करके एक ऐसी पिल निकाली जिसमें ना हॉर्मोन है ना स्टेरॅड है और उसको हफ्ते में एक ही बार लेना पड़ता है उस पिल का नाम है सेंट क्रोमान तुम बोलो मैम सहेली है इसका नाम तो सहेली के नाम से बिकती है इसका नाम सेंट क्रोमैन है बट इट इज मार्केटेड बाय द नेम ऑफ सहेली आसान है ना फीमेल के लिए याद करना सहेली इसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में हम लोग इसी चैप्टर में ज्यादा डिटेल में वहां लिखेंगे कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है या किस तरीके से ये काम करती है ठीक है किस तरीके से काम करती है तो ये बेसिक साथ ही में एक और इनिशिएटिव लिख लो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स को भी सेक्स रिलेटेड क्राइम को भी बेटा एड्रेस किया उनको प्रॉपर एक्नोलेज किया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जिससे अब मैं थोड़ा सा आपको बताने वाली हूं, के बारे में आर यू रेडी आर यू रेडी मेरे बच्चों एमन्यू के लिए मैंने आपको बेसिक बता दिया है वैसे तो बेटा जी सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिलते हैं उसपे अराउंड ढाई लाख कुछ बच्चे हैं तो उसी को ज्वाइन करिएगा गलत वाला मत ज्वाइन करना मेरा नाम है सी पाहूजा आगे बायोलॉजी आगे ऑफिशियल लगा देना ठीक है बायो अपना सब्जेक्ट है सी पाहूजा नाम है ऑफिशियल लगा देना तो तुम्हें तो मिल जाएगा वैसे तो मैं क्लास के तुरंत बाद ये नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ लेकिन लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत मेहनत तुम खुद भी करो अगर तुमने आज तक नोट्स नहीं बनाए तो जरूर बनाओ जरूर 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 बनाओ ठीक है जी यस चलिए तो व्हाट इज एम नेंटेसिस होता क्या है आ जाओ

देयर इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक जॉमलेयर देयर इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक जॉमलेयर एंड दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिकॉमलेयर इज कॉल्ड एज एमियॉन क्या है इसका नाम एमनियॉन ये एमनियोन बेटा अपने अंदर वाली साइड ना फ्लूड रिलीज करती है क्या रिलीज करती है फ्लूड एंड दैट फ्लूड इज कॉल्ड एज एमिक फ्लूड इस फ्लूड को हम लोग क्या बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूड और बेटा एमनियॉन ने तो फ्लूड रिलीज किया एमनियोटिक फ्लूड कोई बता सकता है पर्पज क्या है क्यों कर रही है भाई ऐसी छोड़ दे वाई वाई इज इट डूइंग दैट क्यों कर रही है यस yes. छोड़ देते हैं ना ऐसे ही ऐसे सूखा छोड़ देते हैं क्या जरूरत है इसको गीला करने की जरूरत है बेटा इफ वी वोंट रिलीज एनी काइंड ऑफ फ्लूड देन द एम्ब्रियो देन द फीटस विल डेसिकेट सूख जाएगा वो है ना सूख जाएगा तो हमें बाहर वेट एरिया थोड़ा सा um, Moisteria रखना बहुत जरूरी है टू प्रिवेंट द डेसिकेशन अब होता क्या है बेटा चलो ये तो अपना रिलीज कर रहा है जो कि डेसिकेशन को भी प्रिवेंट कर रहा है और शॉक एब्जॉर्बर का भी काम कर रहा है कल को मान लो फीमेल गिर जाए झटका लग जाए तो शॉक को कौन एब्सॉर्ब कर लेगा एमनियोटिक एम फ्लूडॉर्ब कर लेगा तो ये इसके दो पर्पज हैं लेकिन होता क्या है इस एमनियोटिक फ्लूड में फीटस के भी कुछ सेल्स आ जाते हैं ये देखो मैं उसी कलर से बना रही हूँ फीटस के सेल्स आ जाते हैं जो हमें मदद करते हैं जो हमें मदद करते हैं इन प्रीनेटल टेस्टिंग देखो फीटस के सेल आ गए यानी कि सेल में से डीएनए निकल सकता है डीएनए का केरियोटाइपिंग हो सकती है आप देख सकते हो कौन कौन से क्रोमोजोम हैं क्रोमोजोम नंबर वन टू थ्री है कि नहीं है कोई एब्सेंट तो नहीं है किसी की ट्राइसोमी तो नहीं है किसी की मोनोसोमी तो नहीं है है ना तो बहुत चीजें करी जा सकती है तो एमनियोसेंटिसिस में हम इसी चीज को यूज करते हैं हम लोग बेटा जी लेकर आते हैं बढ़िया सा इंजेक्शन ठीक है इस इंजेक्शन से इस इंजेक्शन से बेटा निकाल लिया जाता है बाहर एमनियोटिक फ्लूड क्या निकाल लिया जाता है एमनियोटिक फ्लूड बाहर निकाल लिया जाता है इस एमनियोटिक फ्लूड को बाहर निकालोगे तो फीटल सेल्स मिल जाएंगे इन फीटल सेल्स में से तुम उसका डीएनए निकाल लोगे डीएनए को आइसोलेट करके बेटा जी उसकी आसानी से साइटोजेनेटिक्स में केरियो की जा सकती है केरियो का मतलब होता है आप प्रॉपर सारे क्रोमोजोम्स का नंबर गिन सकते हो और देख सकते हो कोई एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा तो नहीं है और कौन कौन से क्रोमोजोम है वन है ना टू की दो कॉपी है ना एक्स की दो कॉपी है या एक्स वाई है यानी कि एक तो इस केरियो टाइपिंग से आप लोग जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर टेस्ट हो सकते हैं और बेटा जी इससे सेक्स डिटर्मिनेशन भी तो हो सकता है है कि नहीं आपने केरियो टाइपिंग कर दी आपको सारे क्रोमोजोम के बारे में पता चल गया तो ये तो पता चल जाएगा ना कि एक्स एक्स है या फिर एक्स वाई है अगर एक्स एक्स है तो लड़की है एक्स वाई है तो लड़का है

क्या लड़की है तो वी डोंट वांट टू की गई ये सब चीज नोट की गई कि इस तरीके से amniocentesis जैसी इतनी important का क्या हो रहा है क्या हो रहा है? Misuse हो रहा रहा है है तब बेटा जी यूज ऑफ एम फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन अब एमन्यू को इस काम के लिए किस काम के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन कर दिया गया है आप हॉस्पिटल में गए हैं कभी हॉस्पिटल में आजकल तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है लिंग निर्धारण निर्धारण टेस्ट नहीं किया जाता सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज नॉट डन यू सीन देखा होगा ऑलमोस्ट ऑल यस ठीक है जी तो ये एक तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है बट इसको इसके लिए बैन करा गया

इंडिया में भी थिंग्स आर आर चेंजिंग स्लोली एंड एंड आई एम की पीपल हैविंग फीमेल किड्स दे फीमेल चाइल्ड बिकॉज अब कोई डिफरेंस रह नहीं गया पहले क्या होता था कि फीमेल को बर्डन समझा जाता था कि लड़की आएगी तो उसके शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा रिसोर्सेज uh, यूज करवाएगी हमारे और अल्टीमेटली किसी और के घर चली जाएगी और उसको पैसा भी इतना देना पड़ेगा है ना जिस घर जाएगी तो उस मैंटेलिटी से लड़कियां रखी नहीं जाती थी बट आज के समय आप देख रहे हैं जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है लड़कियां बराबर कमाती हैं इनफैक्ट ज्यादा कमाती हैं पहले उनको कमाने के लिए सक्षम ही नहीं किया जाता था पढ़ाया नहीं जाता था आप पढ़ाओगे तभी लड़कियां कमाएंगी ना है ना अब डाउरी का सिस्टम दहेज की जो प्रथा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है मतलब स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बट स्टिल थिंग्स आर अच्छा हो रहा है और ये एक ऐसा पोर्शन है बेटा से पिछले सालों में सवाल आया ही आया है आप 2010 का पेपर देख लो आप 2016 का पेपर देख लो आप 2013 का पेपर देख लो कुछ ना कुछ वो क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको दे देंगे और बोलेंगे इन डिसऑर्डर में से कौन सा एमनियोसेंटिस से डिटेक्ट कर सकते हो एम्न्योसेंटिस बैंड है या नहीं है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी तरीके से बेटा जी सवाल आ सकता है बेसिक ऑफ नो ठीक है जी, yes, मेरे बच्चों, Clear हो गया, में हो जाना। हो जाना। मैं, हम इतनी population। फिर हम इसके कंट्रोल के बारे में बात करेंगे चलो बर्थ कंट्रोल करते हैं ठीक तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि पॉपुलेशन फटती जा रही है क्या हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा हैरान है होना है बेटा तुमने चाहे तुमको पता है चाहे नहीं पता ठीक है हैरान होएंगे ना सब बच्चे इमोजी यूज करना हैरान होने की ओके तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहले वर्ल्ड के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो मैं आपको 100 साल के गैप में बताऊंगी कितने 100 साल के गैप में बताऊंगी हाँ जी वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें इट वाज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 1900 बेटा देख रहे हो एक मैं आपको बताऊंगी 1900 और फिर उसके 100 साल बाद यानी कि 2000 1900 में बेटा जी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी दो बिलियन थी और अगर मैं 2000 में देखू तो ये तीन गुना हो गई टू थ्री हजार कितना होता है थ्री बिलियन हो गई यानी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन सौ सालों में तीन गुना हो चुकी है कितनी हो चुकी है तीन गुना हो चुकी है अब यही से हम लोग थोड़ा इंडिया की पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं हम तो इंडियन से हम इंडिया में रहते हैं हम इंडिया में पॉलिसीज लानी है उस हिसाब से हम इंडिया की पॉपुलेशन देखते हैं ठीक है तो उस हिसाब से अपन लोग देख लेते हैं कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है हाँ जी इंडिया की बात करें तो इंडिया भी बेटा कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है इस समय इंडिया की बात करें तो 2011 में कुछ स्टैट्स बेटा जब हमारी एनसीईआरटी देती है अपने को याद करना है 2011 में 1.2 बिलियन थी ठीक है जी यस और थोड़ा सा पीछे जाइए 1947 की अगर मैं बात करूं यानी कि इंडिपेंडेंस के समय थ्री फिफ्टी मिलियन थी थ्री फिफ्टी मिलियन थी ठीक है जी थ्री फिफ्टी मिलियन थी और अगर हम देखें दो हजार ग्यारह के सेंसस रिपोर्ट ये सब डेटा को याद रखना है 2011 के सेंसस के बारे में अगर आप देखोगे तो हमारा ग्रोथ रेट जो था ना ग्रोथ रेट दैट वाज लेस देन टू परसेंट ठीक है यस ऐसा ग्रोथ रेट जिसमें पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली लेस देन टू परसेंट विच इज ह्यूज तो इस मामले में पॉपुलेशन हमारी काफी इंक्रीज कर सकती है तो यानी कि अगर तुम यहां पर ध्यान दो यस साथ ही बेटा एक और फैक्ट्स है कि जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 6 बिलियन तब इंडिया की पॉपुलेशन यानी कि तकरीबन 2000 वाले साल में इट वाज अराउंड 1 बिलियन इट वाज अराउंड 1 बिलियन क्या मतलब है 1 1.2 बिलियन क्या मतलब है कि जब वर्ल्ड में टोटल मान लो छे मिलियन लोग थे छे बिलियन थे तब इंडिया में ही कितने बैठे थे वन बिलियन बैठे थे है ना यस टू थाउजेंड में वन बिलियन व्हेन वर्ल्ड वाज हैविंग सिक्स बिलियन वी वर हैविंग वन बिलियन पांच बिलियन ही बाहर बचे बाकी सब तो इतने छोटे से कंट्री इंडिया में बैठ गए यानी कि एवरी सिक्स पर्सन एवरी सिक्स पर्सन इन वर्ल्ड वर्ल्ड वॉज इंडियन हर छठा आदमी अगर देखा जाए तो इस विश्व में कौन था इंडियन अगेन इट इज नॉट अ गुड थिंग पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग रैपिडली वी हैड टू फिगर आउट सम वेज जिससे हम इस पॉपुलेशन बढ़ते जनसंख्या को हम लोग कंट्रोल कर पाए ठीक है कंट्रोल कर पाए और ऐसा हुआ क्यों वोट यू थिंक आर द रीजन ये इंडिया की पॉपुलेशन क्यों हमारा ग्राफ ऐसे 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 दौड़ता जा रहा है क्योंकि बेटा हम लोग धीरे धीरे विकासशील हो रहे थे है ना विकसित एक तरीके से डेवलप्ड नेशन की तरफ हमारे सारी चीजें जा रही थी हमारा हेल्थ केयर बहुत अच्छा हुआ अगर हम इसके रीजंस के बारे में बात करें पॉपुलेशन क्यों बढ़ती गई पॉपुलेशन इसलिए बढ़ती गई क्योंकि लोग मरना कम हो गया मोर्टालिटी रेट डेथ रेट कम हुआ हेल्थ केयर सिस्टम वाज बेटर हेल्थ केयर सिस्टम हमारा बेटर हुआ ठीक है और क्या हुआ बेटा जी डेथ रेट कम हुआ डिक्लाइन इन डेथ रेट डेथ रेट कम हुआ लोगों ने मरना कम कर दिया मतलब पहले ऐसी बीमारियां होती थी टीबी का इलाज नहीं है कॉलरा टीबी हो टीबी हो, हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक हो जाएगा है ना ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज अब तो देखो हमने कोविड जैसी बीमारी का ऑल दो ह्यूज मेनी पीपल डाइड ड्यूरिंग दैट टाइम बट हमने फिर भी वैक्सीन बना के एक तरीके से लोगों को बचाया है प्रिवेंट किया है जिस लेवल का हो सकता था उस लेवल का नहीं हुआ वी ऑल आर अव आर लाइव एग्जाम्पल ठीक है जी तो डेथ रेट कम हुआ है इंफेंट मोर्टैलिटी रेट एंड मेटर मोर्टैलिटी रेट बताओ कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है तुम बताओ डिक्रीज लिखूं कि इंक्रीज लिखूं आईएमआर एमएमआर डिक्रीज और इंक्रीज इस पे सवाल आ चुके हैं इसलिए पूछ रही हूं यस yes, मेरे बच्चों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज लिखूं या इंक्रीज लिखूं यस कम कम ऑन ऑन मोर्टालिटी माने मृत्यु दर डेथ रेट इन्फेंट मतलब बच्चे का. तो बच्चे का का तो मृत्यु दर कम हुआ है मदर का मृत्यु दर कम हुआ है या फिर ज्यादा हुआ है यस yes, मेरे बच्चों इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मेटरनल मोर्टालिटी रेट क्या हुआ है कम हुआ है तभी तो लोग बढ़ गए तभी तो लोग क्या हो गए हैं बढ़ गए हैं साथ ही में इंडिया की खास बात यह है हमारा जो पॉपुलेशन का ग्राफ है वो ट्राइंगुलर है ये जो हमारा पिरामिड है एज पिरामिड वो ट्राइंगुलर है यानी कि वी हैव मैक्सिमम पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज इन रिप्रोड्यूसिबल एज ठीक है जी तो ये हमारा जब सबसे ज्यादा लोग हैं ही प्यूबर्टी वाले एज में तो फ्यूचर में अगले दस साल बाद दे विल प्रोक्रिएट प्रोक्रिएट करेंगे तो और नंबर ऑफ जनता जो है वो बढ़ जाएगी ठीक है उनके बच्चे होंगे उनके बच्चों के बच्चे होंगे तो इस तरीके इसी वजह से हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो आसमान छू रहा था अब क्या इसको आसमान छूने दे सकते हैं नहीं छूने दे सकते यानी कि अब क्या आई अवेयरनेस आई अवेयरनेस आई भाई इतनी अलार्मिंग रेट पे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है कुछ तो करो कुछ तो करो तो उन्होंने बोला हाँ करते हैं करते हैं सबसे पहले तो अपन लोग अवेयरनेस फैलाएंगे स्लोगन निकल आए स्लोगन निकल आए हम दो हमारे दो आपको पता है कोई स्लोगन अरे ये फिर से वैसे होने लग गया यस yes, हम दो हमारे दो यस yes. और बताओ बच्चे दो ही अच्छे बच्चे दो ही अच्छे अच्छा और और कोई स्लोगन किसी को बताओ छोटा परिवार सुखी परिवार यस यस दिस इज आल्सो ये अवेयरनेस फैलाने का तरीका है कि सोचो हमारे माइंड में भी जबकि हम उस दौर में नहीं थे जब ऐसा हुआ वी आल्सो नो ऑल दीस थिंग्स इतना फैला दिया है कि अब बच्चे-बच्चे को इसके बारे में पता है है ना जी यस yes? ये क्या है एक संभलते नहीं दो के तीन ये अपने मन से बना रहे हैं क्या दो से दो से है माफी एक ही काफी ये कहां सुन रहे हो ओके ओके वेरी नाइस दो से है माफी एक ही काफी क्या बात है आप लोग बड़े क्रिएटिव हो हैं और के Wow, दो बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर वेरी नाइस वेरी नाइस मुझे लग रहा है गूगल कर रहे हैं अभी बैठ के गूगल कर रहे हैं अभी बैठ के हैं दो बच्चे मीठी ओके ओके राइट राइट खीर वाले बहुत हैं यहाँ पे चलिए जिसने चैप्टर पहले नहीं भी पढ़ा ना उसको बड़ा मजा आने वाला आज आज वो अच्छे सीखने वाला है ठीक है तो अवेयरनेस फैलाई गई कि भाई पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है फटाफट से कुछ ना कुछ करो और क्या किया इसने कहा कि लड़कियों की जल्दी शादियां हो रही है लड़के लड़कियों की तो होता क्या है इस वजह से बच्चे का जो नंबर है चाइल्ड का जो नंबर है वो बढ़ जाता है तो ऐसा करो मैरिजेबल एज को डिक्रीज कर दो मैरिजिएबल एज को क्या कर दो डिक्रीज कर दो तो मैरिजेबल एज बेटा जी चेंज कर दी गई है बॉय की और गर्ल की बॉय की एंड गर्ल की कितनी कर दी गई है इससे पहले आप लोग शादी लीगली नहीं कर सकते हैं अगर लड़के की बात करें तो इट इज ट्वेंटी वन ईयर्स फीमेल की बात करें इट इज एटीन ईयर्स इट इज एटीन ईयर्स ठीक है पेंसिल फिर से हरकत कर रही है बट कोई बात नहीं यस yes. और क्या किया गया और बेटा जी किया गया जो इस चैप्टर में बहुत डिटेल से बताया गया है दैट इज प्रमोशन ऑफ द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कि भाई बर्थ कंट्रोल के लिए आपको ऐसी डिवाइसेज यूज करनी है जो कि जो कि बेटा जी आपकी सेक्सुअल ड्राइव को तो डिस्टर्ब ना करें बट प्रेगनेंसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करें तो हमने इस इस चैप्टर में में सबसे डिटेल वाले पोर्शन को पढ़ना है इसी ये बनेंगे, बनेंगे। so yes. तो बर्थ कंट्रोल बेटा जी अपन लोग करने वाले हैं यूटिलाइजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जन नियंत्रण साथ बेटा आप देख रहे हैं जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम वाले भी यहां से रिलेट कर सकते हैं बिकॉज अब सारी हेडिंग्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगी तो अगर आप हिंदी मीडियम भी पढ़ते हैं मैं बोलती हूँ तो देखो हिंदी में है ना हेडिंग्स हम अब इंग्लिश इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लिया है। तो इट विल हेल्प यू इन बेटर रिलेशन की हम किस टॉपिक पे है और किस चीज की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? कोई बच्चा है क्या यहाँ हिंदी मीडियम का अगर है तो बेटा उसको फायदा होगा और आप इस सेशंस को ये स्प्रिंट सीरीज को अपने बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चों से भी जरूर शेयर करिए सो दैट वो भी यूज कर पाए समझ पाए मैं जानती हूँ हिंदी मीडियम इतना cost, का इतना कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेवल का अवेलेबल नहीं है आई नो एंड दिस इज मेजर प्रॉब्लम ठीक है तो आपको बेटा जी यहाँ पर यह भी मिल जाएगा गे? चलो तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बेटा जी यूज करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वो होती हैं दीज आर मेथड्स टू प्रिवेंट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी कि अगर कोई बंदा प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता तो वो क्या यूज करे मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी ठीक है विदाउट अफेक्टिंग विदाउट अफेक्टिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स विदाउट अफेक्टिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स उन मेथड को बेटा जी हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो टर्म्स आती है बेटा जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है एक होता है कॉन्ट्रासेप्शन ध्यान से सुनना एक होता है कॉन्ट्रासेप्शन और दूसरा होता है कंसेप्शन आदमी को लगता है कि ये दोनों चीजें सेम है और सेम है जबकि ऐसा नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन और कंसेप्शन बेटा उल्टे वर्ड है अवॉइड मतलब कर मतलब करना प्रेग्नेंसी को कि भाई प्रेगनेंट नहीं होना उसके लिए क्या करें दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड प्रेगनेंट होना है प्रेग्नेंट होने के प्रोसेस को कंसीव करना कंसेप्शन बोला जाता है तो ध्यान देना कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्सेप्शन कंफ्यूज नहीं अब हमने इस चैप्टर में कंसेप्शन की बात नहीं करनी कंसेप्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देख लिया कैसे होती है इस चैप्टर में बात करेंगे कि कैसे आप लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो अच्छा मेथड क्या होता है एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसको कहलाएंगे देखिए अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सबसे पहली चीज बिल्कुल बेसिक चीज के बारे में बताओ बिल्कुल बेसिक चीज के बारे में बताओ एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होता है तो सबके पास हो ऐसा ना हो कि गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यार हमारे गांव में तो है नहीं बड़े शहर में जाना पड़ेगा जिले में जाना पड़ेगा स्टेट में कैपिटल में जाना पड़ेगा नहीं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सबसे पहले वो होगा विच इज अवेलेबल एवरीवेयर अवेलेबल एवरीवेयर पहली खासियत तो उसमें ये होनी चाहिए दूसरा बेटा जी इट शुड बी अवेलेबल एट अ रीजनेबल कॉस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपर क्लास के लोग ही उसको अफोर्ड कर पाएडेबल टूरीबल होना चाहिए एंड यूजर फ्रेंडली होना चाहिए यूजर फ्रेंडली का मतलब है देखिए हर आदमी सेक्स एजुकेशन लेकर नहीं आ रहा है आप तो लकी है आप इस स्टेज पे है कि ये चैप्टर समझ रहे हैं लेकिन सब लोग लकी नहीं होते ना बेटा है ना जो छोटे गांव के हैं जिन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं करी पढ़ाई करी है तो बहुत अच्छे से नहीं करी है उनको ये चैप्टर किसी ना किसी वजह से नहीं बताया गया था तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेडिकल वाले स्टूडेंट से उसको यूज कर पाए इट शुड बी यू नो फ्रेंडली टू एवरी अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी आप उसको यूज करने की प्रक्रिया को अच्छे से समझ जाए ठीक है जी पांचवा चीज इट शुड बी अफेक्टिव भाई काम करना चाहिए प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए उससे और इसके साइड इफेक्ट्स कम होने चाहिए लीस्ट साइड इफेक्ट्स देखो साइड इफेक्ट थोड़े तो सबके ही होते हैं बट अगेन इट शुड है ऊपर ही लिख दिया इंटरफेयर इन सेक्शुअल एक्ट ठीक है यूजर फ्रेंडली हो सस्ता हो साथ ही में रिवर्सिबल भी हो रिवर्सिबल का मतलब है रिवर्सिबल का मतलब है कि फॉर a कपल हैज वन चाइल्ड वो चाहते हैं कि उनका अगला बच्चा इससे चार साल के बाद हो विच इज करेक्ट क्या तो चार साल के लिए दे वॉन्ट टू यूज दिस एंड आफ्टर दैट दे अनदर चाइल्ड तो दे दे शुड शुड बी बी एबल टू अंडू दैट ऐसा नहीं कि एक बार ही कर लिया तो अब फ्यूचर में कभी बच्चे नहीं हो सकते नो अंडू एंड रीडू करने का ऑप्शन होना चाहिए वही एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है ठीक है वही एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है तो आर यू रेडी टू स्टडी आर यू रेडी टू स्टडी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी टॉपिक है एक बारी तो और सबसे आसान है एक बारी सुन लिया बस वही डन है इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ठीक है इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो बहुत सारे तरीके के हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स करने वाले हैं बहुत सारे तरीके के हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स करने वाले हैं कौन कौन से करेंगे हाँ जी सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं

UD. fourth one is going to be oral contraceptive that is called as OCPs, OCPs, oral contraceptive pills. Then इसी के साथ बेटा जी मैं आपको implants and injectables, implants and injectables. अभी देखती हूँ आपके raise hand, injectables पढ़ेंगे। इसी के साथ बेटा जी हम लोग बात करने वाले हैं surgical method, surgical method. अब ये छोटा सा मैं homework भी दे रही हूँ। अभी मैं सारे कराऊँगी don't worry. होमवर्क ये दे रही हूँ कि जैसे ही सेशन खत्म होगा आप इसके नीचे नीचे जो जो मैंने बताया होगा टाइप्स वो टाइप्स आप इस टेबल में फिल करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है चार मेथड दिए बताओ ये कौन सा ये है ये नेचुरल है हॉर्मोनल है आईयूडी है ओसीपी पी क्या है तो एटलीस्ट आपको क्लासिफिकेशन तो आनी चाहिए तो क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर आकर करेंगे जिस जिसको समझ आ रहा है बेटा फिर सेशन लाइक क्यों नहीं हो रहा है सेशन को लाइक क्यों नहीं किया फटाफट से अभी के अभी तुरंत सब बच्चे सेशन को लाइक कर दें

उ डिड दिसक अच्छा नेचुरल से क्या समझते हो नैचुरल से समझते हैंगैनिक नेचुरल आयुर्वेदिक टाइप लगता है ना आजकल नेचुरल क्रीमें बिक रही है नेचुरल मेकअप आयुर्वेदिक मेकअप मुल्तानी मिट्टी हल्दी ये सब बेसिकली नेचुरल मीन्स कोई केमिकल यूज ना करना है ना ये हम समझते हैं नेचुरल मीन्स कोई डिवाइस यूज ना करना क्योंकि मशीन मशीन मत लाओ कोई केमिकल यूज मत करो दैट इज द नेचुरल मेथड नेचुरल मेथड ने बेटा जी हम तीन तरीके के मेथड पढ़ेंगे मेथड नंबर मेथड नंबर मैथड दिस इज कॉल्ड एज कैलेंडर मेथड दिस इज कॉल्ड एज कैलेंडर मेथड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियोडिक एब कैलेंडर मेथड और

मेंस्ट्रुअल साइकिल में पता चलता है कि सिर्फ चौथवे दिन अगर अट्ठाइस दिन का साइकिल है तो फोर्टीन डे फीमेल का एग रिलीज होता है क्या बिना एग के बच्चा हो सकता है बताओ क्या बिना एग के बेबी हो सकता है और नॉट इज इट पॉसिबल और नॉट हाँ जी क्या बिना एग के हो सकता है तो ये कहते हैं यार दिमाग यूज करो ऐसे टाइम पे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करें जब एग ही नहीं है पता करो अब. एग कब नहीं है हाँ पता लगाओ तो बेटा मान लीजिए ये फीमेल का साइकिल है हमने पिछले चैप्टर में करा डे वन सेंटर में आता है डे दे फोर्टीन देन आता है डे ट्वेंटी एट पिछले चैप्टर में हमने किया कि भाई डे फोर्टीन एक ऐसा डे होता है जिस दिन क्या होती है ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन होती है है मतलब एक डे पर ही निकलता ड्यू टू एल एच सर्च एल एच बिल्कुल पीक पे जाता है तो एग रिलीज होता है अब ये दो दिन पहले दो दिन बाद में भी, भी हो सकता है यानी कि ये काम बारहवें दिन और सोलवें दिन भी हो सकता है, है ना ट्वेल्थ टू सिक्सटीन डे भी हो सकता है हाँ चांस है मतलब दूसरी चीज बेटा दो दिन जिंदा रह सकते हैं है ना? तो इस टाइम पर भी अगर कॉन्टेक्ट होगा और बारहवें दिन एग आ गया तो स्पर्म तो जिंदा रहकर उसको फर्टिलाइज कर देगा तीसरी चीज हम ये जानते हैं कि मान लीजिए स्पर्म है एग नहीं है लेकिन बेटा एग सिक्सटींथ डे भी निकलेगा एग कैन सर्वाइव फॉर वन मोर डे 24 फोर आवर्स एग का भी साइकिल होता है तो वो भी सर्वाइव कर सकता है यानी कि ये टाइम ऐसा है ये वाला टेंथ टू सेवनटींथ डे इज दैट टाइम क्योंकि रिस्की टाइम है इस समय कभी भी एग आ सकता है अगर आपने इस समय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो भाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर देर मतलब चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर देर ये जो समय है इस पीरियड को बोला जाता है इस पीरियड को बोला जाता है फर्टाइल पीरियड तो भाई ये मेथड कहता है अवॉइड अबस्टेन मतलब अवॉइड अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड भाई थोड़ा दिमाग लगा लो कुछ और खरीदना नहीं पड़ेगा कोई पैसे नहीं लगेंगे दिमाग लगा लो कि फीमेल का फर्टाइल पीरियड पता लगाओ और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्टिविटी प्लान करिए तो कि कि रियलिटी किसको नहीं पता है ना रियलिटी अच्छे से पता लगाने के लिए स्कैन करने पड़ेंगे प्रॉपर है ना टेस्ट करने पड़ेंगे ओविलेशन के ऐसे घर बैठे किसी भी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले को रियलिटी नहीं पता और दूसरी चीज मैंने तो ये बोल दिया कि भाई टेंथ टू डे मेरा फर्टाइल पीरियड है लेकिन ये फर्टाइल पीरियड सिर्फ उस महिला में है जिसका साइकिल 28 दिन का है आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इट इज नॉट नेसेसरी कि हर फीमेल का मेंस्ट्रल साइकिल 28 का हो किसी का 29 डेज भी हो सकता है 31 भी हो सकता है 35 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है 30 डेज का भी हो सकता है 40 डेज का भी हो सकता है एंड इन फैक्ट एंड इन फैक्ट अगर किसी फीमेल का हर महीने 28, 28, 28 भी है ना, तो अगले महीने वो भी हो सकता है। है तो एक फीमेल को अपना फिक्स कहना कि यार आज ही डे ऑफ ओवुलेशन, अ ट्रिकी टास्क लोग इसको पता नहीं लगा पाते हैं इसमें गलती कर देते हैं और अगर इसमें गलती हो जाएगी तो ही फेल हो जाएगा है ना मेथड ही फेल हो जाएगा वैसे तरीके हैं उट डे ऑफ ओव्य है ना आप डे ऑफ ओवलेशन पता लगा सकते हो तरीका है कि यार एक तो बेसल बॉडी टेम्परेचर थर्मोमीटर ले आओ और हर दिन सुबह सुबह फीमेल अपना टेम्परेचर मापे जिस दिन भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ दैट इज कंसिडर्ड एज द डे ऑफ ओवलेशन बट अगेन जरूरी नहीं है कि ओव्यशन से ही हो रहा हो, हो सकता है कोई इंफेक्शन हो गया हो

जिस दिन आपको लगे बहुत ज्यादा स्लाइमी है बहुत ज्यादा स्लिपरी है दैट इज द डे ऑफ योर ऑफ योर ओविलेशन बट अगेन ये बड़ा सब्जेक्टिव है मतलब फीमेल कैन मिस जज दिस है ना इसमें गलती हो सकती है अगर इसमें गलती हुई तो भाई इसमें गलती हो सकती है इसमें गलती हुई तो पूरे एक्ट में गलती हो सकती है एंड इट मे लीड टू अनवांटेड प्रेगनेंसी तो ये हो गया अपना नेचुरल मेथड तो मोड ऑफ एक्शन इसमें था क्या इसमें अपन ने क्या तिगड़म लगाया हमने तिगड़म लगाया कि यार स्पर्म और ओवा को मिलने नहीं देते हैं अवॉइड चांसेस ऑफ चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा ये मेथड समझ आया ऑफ स्पर्म एंड ओवा ठीक है तो ये मेरा पहला हो गया नेचुरल मेथड ठीक है पहला हो गया नेचुरल मेथड दूसरा नेचुरल मेथड बेटा जी करने वाले हैं। सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर इज कॉल्ड एज क्वाइटस इंटरप्टस

है ना मैम की खुद की बुक है ये दूसरी बुक है मेरी एक बुक ऑलरेडी जो ईयर लॉन्ग बुक है वो लॉन्च हो चुकी है एंड ये सेकंड बुक है हमारी ठीक है तो जिस, जिस ने नहीं देखा इट इज नाउ ओपन फॉर ऑर्डरिंग अब कैश ऑन डिलीवरी भी उसपे अवेलेबल है ठीक है तो दैट इज अ बेस्ट बुक जिसमें आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन को मॉक टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें चौबीस मॉक टेस्ट है बिल्कुल प्रॉपर पेपर के फॉर्मेट में जैसे पेपर आता है ना बंडल बन के वैसे चौबीस बंडल है

नीट में अच्छा करना चाहते हैं ना तो सिर्फ थ्योरी से नहीं होता पेपर अटेम्प्ट भी करना चाहिए होती है वहां पे बबलिंग गलत हो जाती है टाइमिंग्स मैनेज नहीं हो पा रहे सो दिस इज हाउ यू लर्न दैट तो सब बच्चे वहां से जाके ले सकते हैं ठीक क्यूँकी पिछले साल भी आया था पिछले साल बेटा इस बुक में से फोर्टी क्वेश्चन अभ्यास मॉक टेस्ट में से, सेम आए थे पेपर में सिमिलर सिमिलर आए थे ठीक है जी देर आर हाई चांसेस बार बहुत मेहनत हुई है और उसमें न्यू सिलेबस की एक सप्लीमेंट्री बुक भी है जितना भी नए टॉपिक एड हुए हैं सबके क्वेश्चन प्लस थ्योरी आपको साथ मिलता है चलिए तो और मेथड के बारे में बात करते हैं पेंसिल जरूर खराब कर रही है आज समझ नहीं आ रहा व्हाट इज द प्रॉब्लम मुझे लगता है द प्रॉब्लम इज द स्क्रीन गार्ड व्हाट डू यू थिंक आई फील स्क्रीन गार्ड इज द मेजर इशू है ना यही है अपना स्क्रीन गार्ड राइट मुझे लग रहा है ये चेंज कराना पड़ेगा उससे ठीक हो जाएगा हमारा इशू बट एनीवे anyway, चलिए तो इंटरप्टर्स क्या ये natural method है ये भी नेचुरल मेथड है ये मेथड कहता है दैट ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट मेल पार्टनर हैज टू विड्रॉ द पेनिस राइट बिफोर द इजैक्युलेन ठीक है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट मेल पार्टनर हैज टू विड्रॉ द पेनिस द कॉपिलेटरी ऑर्गन राइट बिफोर द इजैक्युलेन जिससे क्या होगा जितना भी इजैक्युलेटरी फ्लूइड है यानी कि जो सीमेन है वो फीमेल की बॉडी में नहीं जाएगा और बाहर रिलीज हो जाएगा बाहर रिलीज हो जाएगा तो उनको ऐसा लगता है कि सारा स्पर्म बाहर आ गया लेकिन इसमें भी गलती है झोल है आप चाहे सीमेन को बाहर रिलीज करिए बट उससे पहले के प्री करिएटरी फ्लूड में स्पर्म होने के चांसेस होते हैं तो फेलियर रेट इज वेरी हाई ठीक है तो क्वटटस इंटरप्टिस क्या कहता है जो मेल पार्टनर है पार्टनर हैज टू तो विड्रॉ द पीनस बिफोर इजैक्यूलेशन लेकिन इसका फेलियर रेट बड़ा हाई है क्यों फेल हो सकता है ये मेथड इसलिए फेल हो सकता है क्योंकि एक तो मेल के साइड से इट रिक्वाड ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड समटाइम्स दिस सेल्फ कंट्रोल इज नॉट इजी टू अचीव ठीक है दूसरी चीज ये फेल इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें प्री इजैक्युलेट्री फ्लूड के बारे में तो किसी ने बात नहीं की इस प्रीजैक्यूलेट्री फ्लूड में इसमें भी हो सकते हैं तो भाई फेलियर रेट ऑफ दिस मेथड जस्ट लाइक द प्रीवियस कैलेंडर मेथड इज वेरी हाई तीसरा नंबर ऑफ नेचुरल मेथड इज लैक्टेशन नेचुरलेशन एनोरिया ठीक है ए मेनोरिया का मतलब मैंने लास्ट चैप्टर में आपको सिखाया था यानी कि नो पीरियड्स ए मेनोरिया का मतलब होता है नो मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है लैक्टेशन का भी मतलब बताया था ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त बच्चे के जन्म के बाद जब फीमेल एक्सटेंसिवली ब्रेस्ट फीड करती है तो ब्रेस्ट फीड तो जो आपके मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं होती है अब ये कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ध्यान दीजिए बेटा बच्चे के जन्म के छ महीने तक सिक्स मंथ्स तक द बेबी इज कंप्लीटली कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मदर्स फीड ठीक है जी इस समय पर इस समय पर मदर की बॉडी में जो प्रोलैक्टिन होता है ना वो बहुत हाई होता है

कोई ही नहीं होती तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है है ना क्योंकि ओविलेशन नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती लेकिन इसमें भी एक झोल है क्या झोल है मेथड है, है इसको आप सिर्फ फुल प्रूफ सिक्स मंथ्स तक ही बोले कई बार जन्म के बाद मोर देन सिक्स मंथ्स तक पीरियड्स नहीं आते नहीं होती है

दो के पेपर जब तुम निकाल के देखोगे आज प्रैक्टिस कराऊंगी मैं, कल भी प्रैक्टिस कराऊंगी मैं आप देखेंगे कैलेंडर मेथड क्विटस इंट्रॉप्ट एंड योर लैक्टेशन एमेनोरिया समझ आ गया तो फटाफट से सेशन को साथ साथ लाइक करते जाओ हम करने वाले हैं बैरियर मेथड बैरियर माने दीवार मेल और फीमेल के गैविट्स के बीच में दीवार ले आओ फिजिकल मीटिंग बेटा दीवार लग जाए तो फिजिकली मीट नहीं कर पाओगे ना फोन करना पड़ेगा है ना तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में दीवार लग जाए घर घर पे एक बंदा आ गया मान लीजिए एक दीवार के इधर है एक दीवार के इधर है तो क्या होगा एक ही तरीके बात कर रहे हैं फोन कर सकते हैं फिजिकल मीटिंग इज नॉट पॉसिबल तो यही हम यहाँ पर कर रहे हैं दैट वी आर प्रिवेंटिंग वॉट इज द मोड ऑफ एक्शन वी आर प्रिवेंटिंग फिजिकल मीटिंग ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ भी जब तुम हॉस्टल में पढ़ते हो हॉस्टल में तो बड़े सारे मित्रगण होते हैं लेकिन जब सब लोग छुट्टी में अपने घर चले जाते हैं तो फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाती फिर हम फोन पे हाँ हैप्पी दिवाली हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी लोडी फिर हम फोन भी करते हैं तो जिनसे फिजिकल मीट ना हो पाए फोन पे बातें करनी पड़ती है तो प्रिवेंटिंग फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवा एंड स्पर्म अब भाई स्पर्म और ओवा को अगर फिजिकली मीटिंग नहीं करने दोगे तो इनके पास तो फोन वोन नहीं है कोई फोन नहीं है ये ये बात ही नहीं कर सकते विषय नहीं कर सकते तो ये पुराने जमाने के हैं ठीक है जी क्या कैसे कैसे बैरियर मेथड है दो तरीके के बेटा जी बैरियर मेथड बताऊंगी कुछ मेल यूज कर सकते हैं कुछ फीमेल सो दे कैन बी यूज्ड बाय मेल एंड फीमेल्स भी यूज कर सकती है बेटा मेथड कॉमन नहीं है इतना बट मेथड्स आर अवेलेबल रेडी टू लेसन रेडी मेरे बच्चों <coughs> जी सबसे पहला बैरियर मेथड जो कि मेल्स में काफी कॉमन है that is, that is organ ejaculation. तो ejaculation सीमन ड्यूरिंग इजैक्युलेन तो इजैक्यूलेन के वक्त सारा सीमेन अगर कॉन्डम कलेक्ट कर लेगी तो कुछ भी फीमेल की बॉडी में नहीं जाएगा फीमेल की बॉडी में नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी का तो कोई चांस ही नहीं है ठीक है सो इट कलेक्ट्स ड्यूरिंग जैक्यूलेशन अगर ये एक दीवार बन गया है अगर बेटा जी ये एक दीवार बन गया है तो मेल और फीमेल कैमिट जो है वो मिल नहीं पाएंगे तो दे विल कलेक्ट सीमेन एंड दिस विल कवर कीडस ठीक है यस yes. आसानी से अवेलेबल होते हैं हर मेडिकल शॉप पे दे आर रेडिली अवेलेबल एंड दे आर कंसिडर एज वन ऑफ द बेस्ट मेथड वाई प्रेगनेंसी तो ये करती करते हैं। we say, नहीं होती है, condom, जो बताती है इस पे सवाल आ चुका बेटा पास में फेमस ब्रांड ऑफ कॉन्डम अवेलेबल फॉर मेल दैट इज कॉल्ड एज निरोज मेलेबल बट ये टी वी लर्न दिस एग्जाम्पल चलिए अब बेटा कुछ बैरियर मेथड ऐसे हैं जो कि फीमेल्स भी यूज करती हैं फीमेल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं जैसे कि जैसे कि आपके पास आ जाएगा डायफ्राम डायफ्राम सर्वाइकल कैप सर्वाइकल कैप एंड वॉल्व्स अब ये क्या है ये भी रबड़ के बने हुए होते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक को कवर करेंगे मतलब नॉट मेल फीमेल को अपने सर्विक्स के ऊपर इसको इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि जो पीनस है दैट इजैक्युलेट एवरीथिंग इन दीज डायाफ्राम और सर्विकल गैप्स वो आगे यूट्रस तक जो सीमेन है वो ना पहुंच पाए तो इन तीनों का बेटा जी एक ही तरीके का मोड ऑफ एक्शन है दैट दे विल कवर वजाइना प्लस सर्विक्स ठीक है एंड दे विल कलेक्ट द सीमेन अगर सारा सीमेन बेटा जी ये कलेक्ट कर लेंगे तो कुछ भी यूट्रस में नहीं जाएगा यूट्रस में नहीं गया तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है ठीक है जी यस इसके अलावा बेटा एक और चीज है एक और चीज है देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल कॉन्डम्सो मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ रुकिए हाँ जी एक तो ये है एंड देन देर आर फेमीडम्स फेमीडाम्स बेटा जी फीमेल कॉन्डम्स को बोलते हैं कॉन्डम्स को बोलते हैं ठीक है जी अब जब एक पर्सन कॉन्डम या फिर डायफ्राम सर्विकल कैब वोल्ड जैसी डिवाइसेस यूज कर रहा है इसकी इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए साथ में बेटा जी सिडल क्रीम और जेलीज आती हैं ठीक है सो देयर इफेक्टिविटी कैन बी इंक्रीज कैन बी इंक्रीज कैसे बढ़ सकती है बाय यूजिंग स्पर्मिसिडल फोर्मिसेडल क्रीम्स जेलीज एंड फोम्स ठीक है जी यस yes.

दीज टू मैं इसको ऐसे डब्बा बना रही हूं ये बेटा जी डिस्पोजेबल मेथड है आर सिंगल सिंगल यूज यूज मेथड माने डिस्पोजेबल आपको हर बारी नया यूज करना पड़ेगा डिस्पोजेबल जबकि बेटा जी ये वाला जो मेथड है दिस वन यूज ऑफ टाई फ्रॉम सर्विकल कैप जिसको हम जेलीज के साथ यूज कर रहे हैं दिस इज दिस कैन बी री दिस कैन बी री ओके okay जी यस yes, इनको अपन लोग रियूज कर सकते हैं कौन सी एड आ गई आ गई, रुक जाऊं? कौन है ये आलिया तिवारी बेटा मैं बायो के बारे में जानती हूँ इसके अलावा और कुछ नहीं जानती हूँ बायो का को कोई सवाल है कुछ है तो आप प्लीज करिए केमिस्ट्री की के बातें यहाँ क्यों कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास में करो जाके है ना मैं मेरा बस होता तो मैं तो, तो तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ा देती दोनों पढ़ा देते हां जी वन शॉट में सफिशिएंट है और इतना डिटेल बेटा पूरा डिटेल चल रहा है फुल्ली सफिशिएंट है इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इससे ज्यादा बेटा इस चैप्टर में कुछ नहीं आता चलो आईयूडीज आ जाओ इससे बेटर डिटेल्ड वन शॉट इन द मंथ ऑफ दिसंबर नीट से लेस देन 4 मंथ्स पे आपको कहीं नहीं मिलेगा ये बेस्ट क्लास है आपकी एक क्वेश्चन निकाल के जाओगे और ये मैं नहीं बोलती हूँ मैं ओपन चैलेंज करती हूँ चैलेंज क्या है तुम आज की पूरी क्लास लगाओ जो आज मैं सात बजे डीपी डिस्कस करूंगी उसको सॉल्व कर लेना तुम देख लेना क्या नहीं किया तुमने एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम नहीं करोगे ठीक है एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एक भी और ये मेरा ओपन चैलेंज है हर बच्चे के लिए और ये मैं सिर्फ इस चैप्टर के बारे में नहीं कहती हूँ ये मैं आने वाले सारे चैप्टर्स के बारे में कह रही हूँ यू स्टडी वन चैप्टर फ्रॉम मी इन वन शॉर्ट और इन टू शॉर्ट और इन थ्री शॉर्ट आप एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्व कर पाएंगे 90% 95 है। क्योंकि हम इतनी तरीके से इतनी याद भी होता है और हर क्वेश्चन सोल्व भी होता है चलिए आई यू डी बेटा बोला जाता है आई यू सी डी देट इज इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इसको इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो Intra -utrine, contraceptive device भी बोल सकते हो। सबसे पहली चीज़ पर हमें दो लड़कों के पास होता है लड़कियों के पास मेथड कैन बी यूज बाय ओनली फीमेल्स सिर्फ और सिर्फ लड़कियां इसको यूज कर सकती है ठीक है जी यस yes? इस मेथड को यूज करने के लिए मुझे मेडिकल एक्सपर्ट्स चाहिए खुद से नहीं किया जा सकता ठीक है जी खुद से नहीं किया जा सकता आई नीड मेडिकल एक्सपर्ट एंड दीज आर इंसर्टेड डिवाइसेस आर इंसर्टेड इन टू यूटरस यानी कि बिना सर्जरी करे आप वजाइनल और थ्रू इसको इंसर्ट करा सकते हो मतलब नो सर्जरी हेयर इज रिक्वायर्ड कोई भी सर्जरी हमें नहीं चाहिए साथ ही में, में मेथड मिलकर क्या करते हैं ये मेथड मिलकर Phagocytosis बढ़ाते हैं। हैं को खा जाते हैं। और ये सारी ये सारी सारी बातें बातें कब पूछी गई थी? 2019 में। अगर आप 2019 का उठा के देखेंगे आपको ये वाला पीवाई क्यू वहां पर मिल जाएगा दूसरी चीज बेटा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फीमेल्स इसको काफी पसंद करती हैं वाइडली एक्सेप्टेड मेथड साथ ही में इस मेथड को यूज किया जाता है क्यों दो बच्चों के बीच में गैप प्रोड्यूस करने के लिए यानी कि टू प्रोड्यूस गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन वी बेसिकली यूज दिस मेथड गैप का क्या मतलब होता है एक बच्चा हो गया दूसरे बच्चे में अगर हमें तीन साल बात करना है तो तीन साल के लिए आईओडी वाली हर आईओडी का एक वैलिडिटी होता है टू ईयर थ्री ईयर समटाइम्स टेन ईयर वैलिडिटी तो उस हिसाब से, से बेटा जी IUDs को

गैप कर दोगे तो बच्चे के बीच में गैप नहीं हुआ ना गैप को लाने के लिए किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से एक नहीं मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं बायोलॉजिकली इनर्ट आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोलो या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोलो एक ही बात है सेकंड वन इज कॉल्ड एज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी थर्ड वन इज कॉल्ड एज हॉर्मोनल आईओडी हॉर्मोनल आई यू डी ठीक है एक एक करके जिस जिसको एग्जाम्पल आती है मुझे बता दो हर एक की एग्जाम्पल बताइए फर्स्ट वन इज नॉन मेडिकेटेड और बायोलॉजिकली इनर्ट बायोलॉजिकलीर्ट आईओडी एग्जाम्पल इज लिपेज लूप हाँ जी भाई इसको नॉन मेडिकेटेड क्यों बोला है क्योंकि ये बॉडी के मैकेनिज्म के साथ इंटरफेयर नहीं करता है इट डज नॉट कॉज एनी इम्पैक्ट ऑन द बॉडी बट यस इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन

गड़बड़ वाली प्रेगनेंसी और कर देता था दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो इस मेथड को अब आज के समय पर इतना इस वजह से यूज नहीं किया जाता चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ आईयूडी इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एग्जांपल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉपर रिलीजिंग आईयूडी को भी क्या किया जाएगा ये आपका यूट्रस है मान लीजिए ठीक है यूट्रस में एक टी शेप डिवाइस डाली जाती है ये देखिए यूजुअली एक टी शेप डिवाइस इस टी शेप डिवाइस के ऊपर एक कॉपर की तार होती है ठीक है कॉपर वायर होती है ये जो कॉपर वायर है ना ये कॉपर आयंस रिलीज करती है कॉपर आयंस ये कॉपर आयंस क्या करते हैं दो काम करते हैं एक तो स्पॉम की स्पीड कम करेंगे They will decrease the motility of sperm. को स्लो कर देंगे स्लो कर देंगे तो ऊपर तक पहुंच नहीं पाएगा दूसरा बेटा जी उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देंगे दे विल डिक्रीज द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पोम ठीक है जी दो काम करें फॉर्म बेचारा ढीला भी हो गया स्लो भी हो गया और अपना काम भी नहीं कर पाया तो इससे प्रेगनेंसी भी क्या हो गई अवॉइड हो गई इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम्पल एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर रिलीजिंग आईडी के एग्जाम्पल है कॉपर टी कॉपर सेवन एंड मल्टीलोड थ्री सेवनटी फाइव आदमी को कॉपर टी कॉपर सेवन तो याद रहता है क्या याद नहीं रहता मल्टीलोड मल्टीलोड में कॉपर नहीं आ रहा ना इसलिए भूल जाता है आदमी कोई बात नहीं ठीक है मल्टीलोड थ्री सेवनटी फाइव ठीक है सब बच्चे बेटा जी लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं फटाफट से सेशन को लाइक कर दो सेशन को लाइक कर दो टाइम मत लगाइए चलिए हॉर्मोनल आईओडी अब बेटा एक बारी में हॉर्मोन का इम्पैक्ट बताऊंगी अब चाहे वो आईओडी में हो हॉर्मोन दवाई में हो टेबलेट वाली दवाई में इंजेक्शन में हो इम्प्लांट में हो किसी चीज में हो एक ही एमओए रहेगा व्हाट इज द एमओए ऑफ हार्मोनल एक्शन तीन एमओए होते हैं हार्मोनल आयोडी में बेसिकली हम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को लेकर आते हैं उसका डेरिवेटिव यूज करते हैं एग्जांपल हेयर इज एल एन जी ट्वेंटी लेमोनोजेस्ट्रल ट्वेंटी एंड प्रोजेस्टासर्ट पहले तो मेरे साथ साथ एग्जाम्पल याद करो एग्जाम्पल याद करो प्रोजेस्टासर्ट सर्ट एल एंड प्रोजेस्टासर्ट सर्ट दे आर हार्मोनल आयोडी कैसे प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगे तीन तरीके कौन से तीन तरीके पहला तरीका ये मेहमान नवाजी में विश्वास नहीं करते हैं यानी कि दे विल यूट्रस इन हॉस्पिटेबल इनहॉस्पिटेबल फॉर इम्प्लांटेशन यूट्रस में ऐसे एट्रोफिक चेंजेस आएंगे कि भाई यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी दूसरा ये कहते हैं कि भाई हम प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इतना इंक्रीज कर देंगे कि नेगेटिव फीडबैक देगा और उससे ओव्यूलेशन भी प्रिवेंट हो जाएगी ओव्यूलेशन बी प्रिवेंटेड ठीक है तीसरी चीज बेटा ये कहते हैं कि हम लोग ऐसा प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज कर देंगे कि जो सर्विकल म्यूकस है ना जो सर्विकल म्यूकस है वो थिक हो जाएगा सर्विकल म्यूकस थिक हो जाएगा अगर सर्विकल थिक हो गया तो क्या स्पर्म उस थिकनेस वाले दरवाजे को क्रॉस करके आ पाएंगे? नहीं दरवाजा ही नहीं क्रॉस कर पाए ऊपर ही नहीं आए, तो भाई काहे का हार्मोन का और काहे का ये ठीक है, का है। जी तो एल एनजी ट्वेंटी प्रोजेस्टर तीन तरीके हर हार्मोनल यू नो you डिवाइस know, करेगा बीट आईयूडी बीट टेबलेट बीट इम्प्लांट बीट इंजेक्शन तीन ही तरीके हैं पहला यूट्रस को प्रिवेंट करना तीसरा बेटा जी, आपके को थिक बना के, स्पर्म की एंट्री को डिस्टर्ब करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी जितना पढ़ो उतना कम है जितना पढ़ो उतना कम है दो हजार सत्रह और दो हजार उन्नीस में कब इन्होंने डोमिनेट किया था इन्होंने डोमिनेट किया था दो हजार सत्रह और 2019 में यहां से सवाल बहुत सारे एक नहीं बहुत सारे सवाल आए ठीक चलिए नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है ओसीपी अब तो लाइन से बेटा धड़ल्ले से मेथड होते जाएंगे सब सेम है अब हॉर्मोनल मेथड आ गया आपको समझ सब कुछ सेम है ओसीपीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पेल्स इसको हम अरे इसको हम बेटा जी ओ सी बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अब बेटा ओसीपी दो तरीके की होती है दो तरीके की पिल बताऊंगी वन टाइप ऑफ पेल इज कॉल्ड एज मिनीपेल कुछ कुछ पेज ऐसे हैं जो खराब करते हैं एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन पेल दवाई लेनी है बेटा इसमें प्रॉपर टेबलेट लेनी है दो तरीके की दवाइयाँ होती हैं पहली का नाम है मिनीपेल एंड दूसरी का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव पेल कॉम्बिनेशन पेल Minibil में क्या यूज कर रहे हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव है ना एनालॉग यूज किया जाएगा कॉम्बिनेशन के नाम में आ रहा है प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन को एक साथ यूज किया जाता है है दवाई दवाई में दवाई में ठीक सिंस ये भी हॉर्मोन्स हैं है, तो इनका एमओए भी क्या होगा जो हॉर्मोनल मेथड का है हॉर्मोनल मेथड का है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री क्या दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं है मैं दोबारा नहीं लिखूंगी ये लिखा हुआ मैंने

ये कौन है कह रहे हैं एमओए का मतलब बेटा कहाँ थे कहाँ थे इतनी देर हाँ क्लास शुरू है सत्तर मिनट हो गए हैं ये सत्तर मिनट तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये सत्तर कहाँ थे लेट आओगे तभी होगा लेट आओगे स्टार्टिंग का स्लैंग्स नहीं सुना तुमने तभी बेटा ऐसे सवाल आते हैं सवाल कोई स्टैंडर्ड का नहीं आ रहा कह रहे एमओए क्या होता है दिस कि आपने क्लास में लेट एंट्री लिया ऑनलाइन क्लास है ना यही तुमने ऑफलाइन में क्रैश कोर्स लिया होता पांच हजार रुपए दिए होते दस हजार रुपए दिए होते थ्योरी तो क्लास मिल, तो मिल रही है प्रैक्टिस मिल रही है डीपी मिल रही है टेस्ट सीरीज मिल रहा है सब फ्री में मिल रहा है ना मैम फ्री में तो हम लोग वैल्यू ही नहीं करते है ना फ्री इज लाइक तो पढ़ाई हुआ है, we'll anytime, है ना क्योंकि बस यही डिफरेंस है बेटा इन्हीं लेक्चर्स को देखने के लिए लोग ढाई ढाई लाख रुपए दे चुके हैं बेटा एक टाइम पे आई हैव वर्कड विद वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो आपने सुना हुआ है, है ना और एक नहीं दो नहीं वहां छह साल काम किया हुआ है तो आई नो वहां पर कैसे लोग पेमेंट देते हैं कितनी मुश्किल से पेरेंट्स लोग पैसे भरते थे लाखों रुपए फीस होती थी दो साल की दो ढाई लाख डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड साल की एक सवा लाख क्रैश कोर्स की हजारों में इट वॉज टफ इट वॉज टफ तब बच्चे सीरियस भी होते थे तो तुमसे तो ज्यादा सीरियस होते थे शायद है ना क्योंकि तुम्हें तो सीरियसनेस नहीं है ये मैम तो रोज आ जाती है यार रोज चार बजे आ जाती है फिर कहती है मैं टेस्ट भी लूंगी फिर कहती है मैं टेस्ट सीरीज भी लूंगी फिर कहती है मैं रिजल्ट भी निकालूंग सब कर रही है ये है ना तो हमें उस चीज की वैल्यू नहीं है जब तक जेब से पैसा ना निकले वैल्यू नहीं है पैसा बेटा जब आप कमाएंगे ना तब आपको असली पैसे की वैल्यू पता चलेगी अभी यू डोंट 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 अर्न अर्न मोस्ट मोस्ट ऑफ ऑफ यू यू कुछ बच्चे तो अन, भी करते हैं मेरे साथ ही एंड दैट डोट अच्छे रियलाइज पांच हजार रुपए या फिर ढाई लाख रुपए क्या होते हैं जब बेटा आप कमाने निकलेंगे तब एक एक रुपए का आपको हिसाब पता चलेगा एंड तब आपको पता चलेगा कि यार ये लेक्चर लगा लिया होता तो आज इतने पैसे कहीं और वेस्ट ना होते हाँ एमओए मतलब मोए मोए सही कह रहे हैं ये ये मोआ मोआ है ये मोए मोए भी नहीं है बेटा ये मोआ मोआ चल रहा है ठीक है एमओए यानी कि मोआ मोआ ठीक है मोए मोए करिए आप बैठ के ठीक बता दो बेटा इसको मोई मोई है, इसका मतलब ठीक चलो तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने आपको तीनों हार्मोन एमओए सिखा दिए हैं इसके कि क्या क्या है अब बेटा जी दवाई दी कैसे जाती है ये दवाई एक पत्ते में आती है आप बोलो मैम सारी दवाइयां पत्ते में ही आती हैं आप क्या नया बता रहे हो देखिए फीमेल के एक महीने में कितने दिन होते हैं तुम बोलोगे तीस या इकतीस ना ना हम लोग अट्ठाईस दिन के बारे में बात करेंगे अगर अट्ठाइस क्यों क्योंकि जनरली हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल हम ट्वेंटी करते हैं अब ये दवाई कैसे दी जाती है डॉक्टर क्या करते हैं डॉक्टर कहते हैं आपको ये जो हॉर्मोन है चाहे वो मिनी पिल हो चाहे वो कॉम्बिनेशन पिल हो लगातार आपको इक्कीस दिन खाना है इक्कीस दिन मतलब सेवन 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 तीन हफ्ते खाना है तो इक्कीस दिन खाना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मतलब तीन हफ्ते ट्वेंटी एट डेज लेके चल रहे हैं यानी कि चार हफ्ते का हमने पूरा महीना लिया तीन हफ्ते आपको लगातार ये पिल खानी है, लगातार आपके अंदर और एस्ट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा और इन तीन तरीकों से यूट्रस ओविलेशन, तो ओविलेशन नहीं हो पाएगी और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी पीरियड्स को भी रेगुलेट करने के लिए आप अगले एक हफ्ता अगला एक हफ्ता ये मत खाइए अगला एक हफ्ता या तो दवाई छोड़ दीजिए या फिर एक दो तीन चार पांच छे सात या तो दवाई छोड़ दीजिए या फिर आयरन की टेबलेट्स खाइए तो उसका कलर बदल देते हैं आयरन टेबलेट्स होती है बेसिकली आप कुछ नहीं खा रहे हैं तो पहले क्या करते थे 21 प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन होता था 21 प्लस जीरो माने डेज खाना है सात दिन नहीं खाना डेज खाना खाना दिन नहीं लेकिन उससे फीमेल को कंफ्यूजन होती थी तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो तुम ट्वेंटी का कॉम्बिनेशन कर लो इक्कीस दिन तुमको हॉर्मोन खाना है सात दिन ये अलग रंग की दवाई खानी है अलग रंग की दवाई कुछ नहीं है आयरन ही है ठीक है तो बेसिकली जब आपने

आपकी बॉडी में अननेसेसरी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बॉडी बिकम्स डिपेंडेंट ऑन दिस पिल्स पिल्स एंड वंस यू लीव दिस बॉडी बिहेव्स डिफरेंटली तो कहीं ना कहीं तो बेटा साइड इफेक्ट होते ही होते हैं तो हमें बेसिकली एक ऐसी इजी मेथड चाहिए कि जो दवाई की तरह भी हो और बेटा जी हॉर्मोनल भी ना हो स्टेरॉयडल ना हो ठीक है तो अब बेटा सीन में आया हमारा सी डी आर आई सी डी आर आई क्या बताया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर सिचुएटेड है लखनऊ में इन्होंने क्या किया इन्होंने सोचा यार, ये मिनी पिल पिल कॉम्बिनेशन तो साइड इफेक्ट करती है मैं एक ऐसी नॉन हॉर्मोनल हो ठीक है नॉन हॉर्मोनल पिल निकाली नॉन स्टेरॉयडल पिल निकाली एंड ऐसी पिल निकाली जिसको वंस अ वीक ही लेना पड़ता है देखो ये पिल तो आपको रोज लेनी है इक्कीस प्लस जीरो या इक्कीस प्लस सात रोज 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 लेते रहो यहां पर फीमेल भूल भी सकती है भूल गई तो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा साइकिल तो उन्होंने सोचा ऐसी पिल निकालो जिसको रोज याद करने का झंझट खत्म हो वंस अ वीक पिल हो और उन्होंने सच में निकाल दी एंड दैट पिल इज कॉल्ड एज सहेली सहेली के नाम से बेटा बिकती है वैसे तो ये क्या है सेंट क्रोमैन पिल का नाम क्या है पिल का नाम क्या है सेंट क्रोमैन ठीक है जी ये आपको हफ्ते में एक ही बारी लेनी है तो मैम अगर इसमें हार्मोन नहीं है इसमें एस्ट्रोजन नहीं है इसमें प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है तो ये काम कैसे करती है तो ये काम कैसे करती है वॉट इज इट्स मोए 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 है ना इसका एम ओ ए क्या है मोड ऑफ एक्शन क्या है तो इसका मोड ऑफ एक्शन है इट एक्चुअली ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर ये क्या करती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो यार फॉलिकल्स विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट अब तक आपने जितना देखा कि यार पिल वो, सब में किसकी खराब हुई है कोई काम मेल भी तो कर ले है ना मेल के लिए भी कुछ होना चाहिए हाँ भाई मेल्स के लिए भी बेटा जी पिल बनी देर इज अ पिल फॉर मेल ऑल्सो ऑल दो इतनी पॉपुलर नहीं है बट है दैट इज कॉल्ड एज गोसीपोल

प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टरॉन ओनली ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा पास्ट में कि आप क्या इसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज करते हो या ओनली एस्ट्रोजन यूज करते हो या ओनली प्रोजेस्ट्रॉन यूज करते हो तो आंसर रहेगा दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं बोथ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ओनली कैसे भी कॉम्बिनेशंस आप लोग यूज कर सकते हो एज एन इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स के तौर पे एग्जांपल ऑफ द इंजेक्टेबल इंजेक्शन बेटा आता है जिसको बोलते हैं डेपो प्रोवेरा क्या नाम है इंजेक्शन का डेपो प्रोवेरा एक बारी फीमेल ने अगर इंजेक्शन लगवा लिया तो अगले तीन महीने तक छुट्टी कुछ और नहीं करना ना दवाई खानी है ना कोई बैरियर मेथड यूज करना है कुछ भी नहीं करना है ना जस्ट यू हैव टू गो फॉर गो टू द डॉक्टर एंड गेट दिस इंजेक्शन डन एक बारी बेटा जी आपको क्या करना है ये इंजेक्शन लगवाना है दूसरा आता है इम्प्लांट इम्प्लांट यानी कि बॉडी में स्किन के नीचे कुछ नॉन सर्जिकली छोटे छोटे कैप्सूल डलवाने हैं ठीक है ऐसे छोटे छोटे ना कैप्सूल होते हैं लाइक दिस ये ठीक है इनको आपको इम्प्लांट कराना है ठीक है इम्प्लांट कराना एग्जाम्पल प्लांट एग्जाम्पल क्या है नॉर् प्लांट ऐसे छह कैप्सूल होते हैं अगेन या तो ओनली प्रोजेस्ट्रॉन या स्टूडेंट प्रोजेस्ट्रॉन को कॉम्बिनेशन होंगे एंड ये लोग प्रोटेक्ट uh, करते हैं फॉर अराउंड फाइव कितने टाइम के लिए पांच साल के लिए लेकिन अगर बात करें और की

सर्विकल ovulation prevented. चलिए तो ये मेथड हो गई इम्प्लांट एंड इंजेक्टेबल्स अब बात करते हैं ऐसा मेथड बताओ जो फाइनल हो ये बारी बारी इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे ये बारी बारी आईयूडी नहीं नलवाएंगे ना ही रोज रोज दवाई लेंगे हमारा परिवार पूरा हो चुका है कंप्लीट फुल प्रूफ मेथड बताओ एक ही बारी में छुट्टी तो वो मेथड आता है बेटा जी आपका सर्जिकल मेथड कौन सा आता है सर्जिकल मेथड

की बात नहीं नहीं है 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 बेटा गलती से बोल दिया भी दस। दस भी हो सकता है किसी को भी सकता किसी नेवर नो वो उसने शायद वो स्लोगन नहीं सुना होगा छोटा परिवार परिवार सुखी बच्चे दो ही अच्छे दो हो तुम तो माफी माफी पता नहीं क्या कर रहे थे तुम है ना वो वाला स्लोगन नहीं सुना था तो शायद उसको दस चाहिए थे दोनों में से एक को करवानी है दोनों को नहीं करवानी है फॉर एग्जाम्पल मेल चूजेस

एम्बुला में जाता था अगर तुमने इस डेफरेंस को कट किया कट कर दिया कट करने के बाद इसको सर्जिकल सर्जिकल धागे से बांध दिया। लूज एंड्स आर टाइड थ्रेड। तो भाई स्पर्म चले तो लेकिन पहुंचे नहीं क्योंकि वास्ट डेफरेंस को दोनों वास्ट डेफरेंस को रस्ते में से कट कर दिया गया इस सर्जरी को हम लोग बोलते हैं वासेक्टमी ठीक है टिबेक्टमी क्या है टिबेक्टमी कहती है कि भाई फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है ना फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है आपने तो थ्री में देखा है इस फेलोपियन ट्यूब को कट कर दो ये कट कर लिया ये कट कर लिया दोनों को कट कर दो एंड द लूज एंड सर्जिकल थ्रेड तो होगा क्या कि भाई यहां से एग तो निकला लेकिन यहीं तक पहुंचा आगे पहुंचा ही नहीं है ना स्पर्म तो पहुंचे थे यहां तक लेकिन बेटा स्पर्म को आगे रास्ता ही नहीं मिला ब्रिज ही काट दिया होता ना बेटा कई बार बांध टूट गया तो कनेक्शन ही नहीं हो पाया Kind of so तो टूब दोनों को कट करिए या फिर आप सर्जरी कराएगा एंडम टर्मिनल हाउ डिड दिसक इसने प्रेगनेंसी को कैसे रोका क्या गैमीट बनने रुके यस और नो बताओ क्या गैमीट बनने रुक गए बताना एड आ गई रुक जाऊं यार एड बड़ी आ रही है तुम्हारे पेपर में हाँ जी इस गैमिटोजेनेसिस प्रिवेंटेड इन दिस तो तुम बोलोगे व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन मोड ऑफ एक्शन क्या है क्या गैमिटोजेनेसिस रुकी नहीं यार गैमिट तो बन रहे हैं इधर ओवरी में ओवा भी बन रहा है इधर टेस्टिस में स्पर्म भी बन रहा है तो कैसे प्रेगनेंसी रोक दी तुमने हमने बेटा जी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमिट रोक दिया वी ब्लॉक दी ट्रांसपोर्ट ऑफ कैमीट ट्रांसपोर्ट ऑफ कैमीट को रोक दिया गया है अब मैम आपने इसको टर्मिनल क्यों बोला टर्मिनल मतलब लास्ट में इसको क्यों यूज करें क्योंकि बेटा इस सर्जरी करवा रहे हो आप सर्जरी को दोबारा चेंज नहीं कराया जा सकता एक बार वा, वास्ट डिफरेंस कट गई कट गई ट्यूब फॉलोपिन ट्यूब बीच में से कट कर दिया कर दिया कैन वी गो बैक यस यू कैन बट Very को जोड़ सकते हो। नहीं पता कि दूसरी सर्जरी सक्सेसफुल होगी या फिर नहीं होगी यानी कि इस मेथड का एक नुकसान है रिवर्सिबिलिटी इज पोअर रिवर्सिबिलिटी काफी हद तक क्या है काफी पुअर है करवा सकते हो

चैप्टर नंबर फोर मेरे माइंड में रहता है चैप्टर नंबर फोर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ फोर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो मैंने क्या किया बेटा जी चैप्टर नंबर फोर डाउनलोड कर लिया तो चैप्टर नंबर फोर अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं अब प्रिंसिपल्स बन चुका है ये गड़बड़ हो गई एक मिनट रुको एक मिनट रखेगा मुझे भेजने में राइट सोचो ये गड़बड़ हो गई हमारे से बट कोई बात नहीं ठीक है ओके okay, इसको एयर ड्रॉप करते हैं एक मिनट लगेगा hmm. आपके साथ भी होता होगा न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीआरटी चैप्टर नंबर डिफरेंट है ना चैप्टर नंबर डिफरेंट ओके आ रहा है आ रहा है यस इट इज हियर नाउ इसको खोल लेते हैं अब ओ, मैं रिमूव कर देती हूँ हाँ जी तो लेट मी शो यू द इमेजेस जो बनी हुई है यहाँ पर हाँ जी सबसे पहले इन इमेजेस को ध्यान से देखो आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इधर देखो पहले बैरियर मेथड में क्या बना हुआ है कॉन्डम बनी हुई है मेल वाली ठीक है आपको पहचानना है देन फीमेल कॉन्डम भी है प्लीज रिकॉग्नाइज प्रॉपरली अच्छे से रिकॉग्नाइज करिए आपको फोटो बनी हुई हो सकती है और आपसे पूछेंगे मेल कॉन्डम है या फिर फीमेल कॉन्डम है ठीक है तो पहचान लिया सबने नेक्स्ट आपके सामने टी शेप डिवाइस है आप देख के पहचान जाएंगे दिस इज गोइंग टू बी कॉपर टी कॉपर टी इज द इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रोसेप्टिव डिवाइस और क्या इमेज बनी हुई है ये देखिए इम्प्लांट्स दो तरीके के इम्प्लांट्स पता है ना मैंने बोला स्किन के नीचे बहुत छोटे छोटे होते हैं एंड दे आर विदाउट एनी सर्जरी स्किन के नीचे इसको डाल दिया जाता है धीरे धीरे यहाँ से हॉर्मोन्स रिलीज होते रहते हैं ठीक है तो नॉर प्लांट एंड इम्प्लॉन नॉर प्लांट में छह कैप्सूल डाले जाएंगे इम्प्लॉनॉन में सिंगल कैप्सूल, देन यहां पर देखिए बेटा हमने अभी बात की अबाउट वासेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी इसके बारे में बात की वासेक्टमी ट्यूबेक्टमी यस ये देखिए हाँ जी

बट एग विल अल्टीमेटलीट चांस टू मेट द स्पी अब पूछा जाता है कि बहुत लोग मानते हैं कि वासेव है वो कम हो जाता है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है इट डज नॉट इट डज नॉट अफेक्ट द सेक्शुअल ड्राइव ठीक है इट डज नॉट अफेक्ट मेल लिबीडो लिबीडो यानी कि सेक्शुअल ड्राइव ये एक मिथ है ये सच्चाई नहीं है इससे कुछ भी इंपैक्ट नहीं आता है सेक्सुअल ड्राइव पे क्योंकि सेक्सुअल ड्राइव जी टेस्टोस्टेरॉन खत्म नहीं हो रहा है, है, है। चलिए ये तो मेथड थे ये आप तब कराते हैं जब बिफोर है दिमाग पहले लगाया कॉर्डम पहले यूज किया आयोडीज पहले से डलवाए ओसीपी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पहले से ली इंजेक्शन पहले से लगवाया एंड इम्प्लांट पहले से डलवाए सर्जरी पहले कराई ये तो पहले है किसके पहले बिफोर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स है ना ये क्या है पहले है बिफोर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स लेकिन हो सकता है हो सकता है यू वर क्वाइट केयरलेस एंड आफ्टर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स

आपको ये पिल लेनी है जो कि आपकी ओविलेशन को प्रिवेंट कर देगी ठीक है वो एक ट्रेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकता है कोई और नहीं कर सकता ठीक है जी इससे भी आपकी इम्प्लांटेशन प्रिवेंट हो सकती है तो इमरजेंसी के भी तरीके हैं ये तो एक तरीके का क्योर हो गया लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर है ना इस मेथड पर आने से पहले आपको मैंने पचासो मेथड बता दिए

क्या है इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या किया जा रहा है बेटा खुद से कपल जाके बोलता है दैट आई डो नॉट वॉन्ट दिस चाइल्ड एंड देर इज वॉल्ट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी ठीक है वॉलंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इफ द कपल गेट्स प्रेगनेंट एंड इफ द फीमेल गेट्स प्रेगनेंट एंड शीज अबाव एटीन ईयर आर नो क्वेश्चन आस्ट यू कैन गो फॉर अबॉर्शन ठीक है, यस yes, आप वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं हर साल हर साल फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव मिलियन केसेस एम टी पर ईयर टू फिफ्टी मिलियन एम टी पी परफॉर्म की जाती हैं पर ईयर विच इज वन बाय फिफ्थ ऑफ टोटल प्रेगनेंसी जितने लोग प्रेग्नेंट होते हैं उससे उससे बेटा वन फिफ्थ लोग दे गो फॉर दिस प्रोसीजर सी एंड इट इज वेरी मच लीगल बहुत लोगों को लगता है कि ये लीगल नहीं है अगर आप अठारह साल से ज्यादा आपकी उम्र है तो डेफिनेटली इट इज लीगल नो क्वेश्चन डॉक्टर योर केस एंड यू कैन गो फॉर दिस प्रोसीजर बट ऐसा किया क्यों जाता है बट इट इज नॉट एडवाइजेबल ठीक है एम टीपी को एज एल्टरनेटिव uh, नहीं यूज करना चाहिए कि कॉन्ट्रेसेप्शन नहीं यूज करते हैं वील गो फॉर एम टीपी नो

That India में legal है, बहुत वही मैं बोल रही हूँ लोगों को इन लीगल लगता है, legal, है तेरह में सवाल आ चुके हैं ठीक है इट वॉज लीगलाइज इन दर नाइनटीन सेवेंटी वन ठीक है फिर उसका एक अमेंडमेंट भी आया एक अमेंडमेंट भी आ चुका है इस एक्ट में अमेंडमेंट भी आ चुका है दो हजार सत्रह में दो हजार

ठीक है है जी अब सेफ कब होती ऐसे नहीं की प्रेगनेंसी के नौ महीने में कभी भी जाके आपने करा लिया नो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन सा होता है पहले बारह हफ्ते first trimester कौन सा होता है हफ्ते दैट इज द इनिशियल ट्वेल्व वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ट्वेल्व वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इस समय पर एम टी पी इज कंसिडर्ड एज सेफ कोई ज्यादा खतरा नहीं होता अगेन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन अब क्या second हफ्ते अगर हम पहुंच जाते हैं second week तक, second ट्राइमेस्टर तक then, then भी बेटा then थोड़ा खतरा बढ़ता है तो बट स्टिल से पहले अलाउड है ठीक है सेफ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है बट मोर देन वीक्स और अगर आपकी प्रेगनेंसी मोर देन लेस देन ट्वेंटी फोर वीक्स में है तब भी आप जाकर कर सकते हैं एम टीपी अलाउड है बट ये सेफ नहीं है नॉट सेफ सिंस इस समय सेफ नहीं मानी जाती है कि तीन महीने ऑलरेडी हो चुके हैं और चौबीस महीने से आप कम के से छह महीने के बारे में बात हो रही है अलाउड है बट सेफ नहीं है इसीलिए इस समय इस कंडीशन को प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आपको दो प्रैक्टिशनर्स का रिकमेंडेशन लेकर आना पड़ेगा प्रैक्टिशनर्स दो जगह मतलब आप ओपिनियन लेंगे दो डॉक्टर से जाकर पूछेंगे अगर दो डॉक्टर उसमें हाँ लिखते हैं

और इफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल हार्मफुल फॉर मदर मदर के लिए बेटा दिस इज वेरी रिस्की और चाइल्ड ठीक है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चे में टेस्ट किया गया एंड कोई सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर निकला ठीक है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इस केस में एमटीबी को यूज किया जाता है ठीक मेरे बच्चों यस चलो सब बच्चे पानी पी लो हाँ एक टॉपिक प्रेगनेंसी में भी करेंगे ऑफ कोर्स यस यस ठीक है डन मजेदार तरीके से चैप्टर खत्म हो रहा है बेटा अबॉर्शन एक ट्रेन डॉक्टर के द्वारा ही करवाना चाहिए अगेन ये भी एक ऐसी चीज है जिसमें लोग डरते हैं कि किसी को पता ना चल जाए स्पेशली इन केस ऑफ अनमैरिड फीमेल्स ट नो वन शुड गेट नो दे पेरेंट्स उनको लगता है कि डॉक्टर पास जाएंगे तो डॉक्टर तो को बुला लेंगे एंड दे गो टू समल जो की क्वालिफाइड नहीं है इसको करने के लिए उनसे करवाते हैं ये बहुत जरूरी है कि एक डॉक्टर ही परफॉर्म करे क्योंकि उन्हीं को इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदाजा होता है कहने को कोई भी बोल देगा दैट आई कैन डू इट बट डॉक्टर one ओनली should, one should ठीक है डरने वाली कोई बात नहीं इट इज वेरी मच लीगल इफ यून ईयर वेलकम कह रहे हैं आई एम बैक बेटा यू इसके लिए लिखते हैं आप इतनी बड़ी चैट बॉक्स में हजारों बच्चे यहां चैट कर रहे हैं लेकिन इन ये कह रहे हैं आई एम बैक बेटा सेशन लाइक नहीं किया अटेंडेंस अभी तक लगी नहीं है फटाफट पट लगा दो दो बचे हैं के। पहला STD, दूसरा Infertility, चाप्टर ओवर। चाप्टर ओवर। इसके बाद क्लास है। मैं देखती तुमने क्लास में किया किया। कि नहीं एक मिनट मी चेक मुझे अभी पता चल जाएगा तुम्हें मैं देख लेती तुमने अटेंडेंस लगाई कि नहीं लगाई ऐसे नहीं बोलती हूँ मैं फटाफट पट सब बच्चे अटेंडेंस लगाइए अभी नहीं लगी है सात बजे आपकी क्लास है

STI is नहीं बेटा बायो में आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट जो बच्चों को पता नहीं होता आर टी आई और एस टी आई तो लिंक हो जाता है भी बोला जाता है इन बीमारियों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जैसे ऊपर तो क्या लिखेड इनफेक्शन तो ये वो बीमारियां विच आर ट्रांसफर विच ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू तो हेल्थी पर्सन वाया सेक्शुअल तो ये बीमारी कैसे फैलेगी ये बीमारी कैसे फैलेगी वाया अनप्रोटेक्टेड

बच्चों को ये लगता है कि ये बीमारी बैक्टीरिया वायरस से नहीं होती है ये होती सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नो no, बीमारी होती है बैक्टीरिया वायरस से है लेकिन यहाँ बैक्टीरिया वायरस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैल रहा है जैसे कोविड एयर से फैलता था कॉलरा पानी से फैलता है वैसे ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है तो देर आर वेरियस कॉजल एजेंट्स बेटा जी इट कुड बी बैक्टीरिया कॉजिंग दिस प्रॉब्लम इट कुड बी वायरस और इट कुड बी प्रोटोजोआ कोई भी हो सकता है तो बैक्टीरियल एसटीडी हो सकती है वायरल एसटीडी हो सकती है प्रोटोजोन एसटीडी हो सकती है जो बैक्टीरियल एसटीडी है वो कौन सी है वी वी हैव हैव गॉट गॉट गोनोरिया गोनोरिया मिनट अरे We have got ठीक है गोनोरिया इज कॉज्ड बाय नाइजीरिया गोनोरिए ठीक है लिख दू नाइजीरिया गोनोरिए वैसे लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी में नाम नहीं दिए हुए बट मैं आपके लिए बता देती हूँ ये तो बड़ा आसान नाम है नाइजीरिया गोनोरिए देन सिफिलिस

एट इज कॉज बाई ह्यूमन इम्यूनोडेफिशंसी वायरस देन आपके पास आता है आपका हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस एच एस वी जेनाइटलोमा वायरस ठीक है जी प्रोटोजोन में आ जाता है ट्राइकोमोनिया ट्राइको मोनिया ठीक है जी Moniasis. इसमें और भी आ जाती है ये बेटा जी जो जो और, ध्यान देना, मैं दो पे गोला लगाऊंगी ध्यान देना एक मेरी एड्स और एक मेरी हेपेटाइटिस बी ये दोनों सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से तो फैलती हैं ये दोनों दूसरे तरीकों से भी फैल सकती हैं दे कैन ऑल्सो ट्रांसफर वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकती हैं नीडल से भी फैल सकती है एड्स के बारे में तो पढ़ते हैं ना ह्यूमन हेल्थ में ये बेटा जी मदर टू फीटस भी जा सकती है मदर टू फीटस भी जा सकती है नीडल्स हो गए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए नीडल्स ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सीप पाह बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिल जाएंगे ढाई लाख तकरीबन उसमें बच्चे हैं उसी को ज्वाइन करिएगा नीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप उसका लिंक देखेंगे तो लिंक आपको ऐसा दिखेगा मतलब नाम तो बहुत लोग सेम रख लेते हैं लिंक नहीं सेम कर सकते दैट इज टी डॉट मी स्लैश सीप मैम एम डबल ए एम ठीक है टी डॉट मी स्लैश सीप मैम दिस इज द मेन थिंग जिससे आपको उसकी ऑथेंटिसिटी पता चलेगी नहीं तो पता नहीं मैंने देखा है लोग फेक बना लेते हैं फेक में कुछ कुछ बोलते रहेंगे कि मैम ये बेच रही है मैम कुछ नहीं बेचती है मैम फ्री में पढ़ाती हैं ठीक है यस मैम ये कह रही है ये ले लो ये ले लो कुछ नहीं लेना है फ्री में पढ़ना है क्लास लगानी है रेगुलर रहना है कंसिस्टेंसी मांगती है और कुछ नहीं मांगती है तो बच्चे फेक तरीके से यू नो लोग पेमेंट भी कर देते हैं पता नहीं कोई बोल रहा था सम मेड एट एंड शेड दैट दीज आर माई हंड्रेड नोट फॉर फिफ्टी रुपीज और हंड्रेड रुपीज एंड मेनी पीपल पेड दैट अमाउंट आई नेवर सोल्ड बेटा मैंने कभी अपने हैंड रिटन नोट्स कभी नहीं मतलब बेचे नहीं है आर फ्री ऑफ कॉस्ट आप आइए मेरे साथ बनाइए यही है मेरे हैंड रिटन नोट्स ठीक है तो ऐसे आपका ना नुकसान हो जाता है तो एक बार जरूर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक किया करो अगर आप गलत वाले हो तो वहां से एग्जिट मारो हाँ जी मेरे बच्चों अब यहाँ पर खास बात है क्या ये अगर किसी को एस हो जाए तो क्या ठीक हो सकती है हाँ। अगर आप टाइमली मैनर पर डॉक्टर के पास चले गए तो डेफिनेटली ये चीज ठीक हो सकती है सब फिर बात आती है मैम पता कैसे चलेगा मुझे एससीडी है मुझे पता कैसे चलेगा एससीडी है तो मैं कुछ कॉमन सिम्टम्स बता रही हूँ कुछ कॉमन सिम्टम्स बता रही हूँ जो कि पर्सन फील करता है जिसको एससीडी होती है फर्स्ट वन इज पी आई डी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज ठीक है जी यस yes. और बेटा जी उससे डिस्चार्ज um, हो, हो सकता है जेनाइटल डिस्चार्ज जनाइटल डिस्चार्ज हो सकता है एंड बर्निंग सेंसेशन हो सकता है उस एरिया में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है इट कैन ऑल्सो लीड टू अबॉर्शन इन अ प्रेगनेंट फीमेल अबॉर्शन हो सकता है या स्टिल बर्थ हो सकता है स्टिल बर्थ मतलब बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ इसकी वजह से बेटा जी इनफर्टिलिटी हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है एक्टोपिक प्रेग्नेंसी हो सकती है तो इफ यू फील सम काइंड ऑफ डिसकंफर्ट इन द जिनाइटल एरिया आफ्टर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट अगर ऐसा आपको फील होता है तो बेटा इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली विजिट अ गुड डॉक्टर डिजीजे कैन बी क्योर्ड कुछ डिजीजेस बेटा जी यहाँ पर ठीक हो सकती है जैसे कि जो बैक्टीरियल डिजीज है दे कैन बी क्योर्ड अगर आप टाइमली उनको डायग्नोस करा रो एंटीबायोटिक्स यूज करके आप इसको ठीक कर सकते हो ये भी ठीक हो सकती है वायरल डिजीज भी कुछ ऐसी अगर टाइमली टाइम ताँग का बहुत बड़ा फैक्टर है टाइमली अगर डायग्नोज हो जाए तो दे कैन बी ट्रीटेड लेकिन तीन बीमारियां है ऐसी हैं जो की जो की बेटा जी ठीक नहीं हो सकती है अगर वो आपको हो गई देट इज गोइंग टू बी देट इज गोइंग टू बी जुनाइटल हर बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप जानते ही है ये तीन बेटा मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट फॉर्म दिस क्वेश्चन देखो इसमें कोई भी बैक्टीरियल नहीं है क्योंकि बैक्टीरियल तो आप एंटीबायोटिक से ठीक करा सकते हो वायरल नहीं हो सकती है ये वाली एच 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 इसको मैं एच क्यूब बोलती हूँ इसको याद करने का निमोनिक बेटा क्या है एच क्यूब तीन बार रहा है ना हेपेटाइटिस बी एन एच आई एड्स एच ट्रिपल एच कुछ भी बोल लो याद रहेगा इनक्योरेबल एस टी डी दो हजार उन्नीस टू थाउजेंड नाइनटीन का पेपर उठा के देखेंगे आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा डब्बा बना के दे सकते हैं इनमें से कौन सी इनक्योरेबल है बताओ बता दोगे यस बता दोगे ठीक है तो पेन हो सकता है डिस्चार्ज हो सकता है स्वेलिंग हो सकती है ये सारे इसके क्या हैं सिम्टम्स हैं अब कैसे ठीक करें मैम प्रिवेंट ठीक करने के लिए तो चलो डॉक्टर है हाउ टू प्रिवेंट प्रिवेंट कैसे करें सबसे पहले हैव स्टॉप हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद रैंडम पार्टनर्स ठीक है तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड बेटा ये जो एसटीडीज है ना इसके लिए मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप इज 15 टू 24 इयर्स का एज ग्रुप हां जी वल्नरेबल एज ग्रुप इज फिफ्टीन टू ट्वेंटी फोर ईयर्स क्योंकि द पर्सन इज वेरीयर फ्री नई नई फ्रीडम केयर फ्री कैजुअल एंड नॉट वेरी सीरियस एट दस एज होता है तो दिस इज द वलनरेबल एज ग्रुप जनरली एसटीडीज इसी टाइम पर देखी गई है प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो सबसे पहले लिमिटेड पार्टनर्स होने चाहिए लिमिटेड सेक्शुअल पार्टनर्स ठीक है एंड अवॉइड है अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अनोन पीपल जिसकी आपको मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता वेद मल्टीपल एंड अनोन पार्टनर्स ठीक है क्या कह रहे हैं मैम लिमिटेड क्या लिमिटेड क्या लिमिटेड ये yes. आप अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अवॉइड करना चाहते हैं यूज बैरियर मेथड मैंने आपको तब भी बताया था ये एक डुअल पर्पज मेथड है इससे प्रेगनेंसी तो अवॉइड होती होती है साथ ही ट्रांसमिटेड डिजीज भी अवॉइड हो जाती है देन बेटा जी अगर आपको कभी भी डाउट लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है गो टू डॉक्टर डॉक्टर विल रियली हेल्प इन इन द द डायग्नोसिस डिटेक्शन एंड देन द कंप्लीट ट्रीटमेंट ठीक है जी यस एम टी पी लीगल इन इंडिया जो बच्चा पूछ रहा है

क्या क्या तरीके हैं आज के टाइम पर इनफर्टिलिटी क्लिनिक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं पहले नहीं इतने देखने को मिलते थे लेकिन दीज डेज इफ यू विल रोम अराउंड टू टायर आप छोटे शहरों में भी देखेंगे गायनेकोलॉजिस्ट का क्लिनिक पहले होता था अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वेरी 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 कॉमन बिकॉज नाउ अ डेज इनफर्टिलिटी एज अ प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग अलॉट देर आर मेनी रीजन वन ऑफ द रीजन बींग स्ट्रेस जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है कॉमन हो गई है ऑलमोस्ट हर घर में देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ एडिक्शन एल्कोहल ड्रिंकिंग स्मोकिंग ड्रग एडिक्शन इनकी वजह से स्पॉम काउंट कम होता जा रहा है एंड सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जंक फूड ये सब रीजन है मैं वैसे और भी रीजन लिखूंगी बट नाउ ऐसा क्या हो रहा है ये सब चीजें चेंज हो रही है ठीक है तो इनफर्टिलिटी इन क्या होता है इन एबिलिटी टू हैव चाइल्ड इवन आफ्टर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर टू ईयर्स दो साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद अगर प्रेगनेंसी ना हो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी तो डेफिनेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज इनएबिलिटी इन एबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर इवन आफ्टर हैविंग अनप्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर टू ईयर्स

हो गई है आपको जिस वजह से ऐसा हो रहा है या फिर आप ड्रग एडिक्ट ड्रग्स लेते हो कोई दवाई लेते हो या फिर इम्यूनोलॉजिकल कंसर्न है इम्यूनोलॉजिकल रीजन है या फिर आज के टाइम पर मेंटल रीजन में है मेंटल यानी कि साइकोलॉजिकल रीजन है ठीक है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है ठीक है इनफर्टिलिटी हो रही है, रहे है? याद रहेगा याद रहेगा ये इनफर्टिलिटी का रीजन कौन है इज इट ड्यू टू मेल और इज इट ड्यू टू फीमेल या इनफर्टिलिटी देखो पुराने जमाने के हिसाब से माना जाए तो सब काम फीमेल की वजह से होते थे बट ऐसा नहीं है पहले तो ये भी कहा जाता था दैट लड़की क्यों हुई है फीमेल की वजह से ठीक है लड़का क्यों नहीं हुआ फीमेल की वजह से जबकि प्रूव हो चुका है फीमेल के हाथ में कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी इट कुड बी ड्यू टू आइदर ऑफ द टू पार्टनर्स और ड्यू टू नन ऑफ देम आल्सो ठीक है मेल पार्टनर में भी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है कंजेनिटल हो सकती है इम्यूनलॉजिकल हो सकती है स्ट्रेस हो सकता है ड्रग्स हो सकते हैं फीमेल पार्टनर में भी फिजिकल कंजेनिटल ड्रग्स डिजीजेस इम्यूलॉजिकल स्ट्रेस कोई भी रीजन हो सकता है ठीक है मेल पार्टनर में जैसे बड़ा कॉमन रीजन है इट कुड बी ओलिगोस्पर्मिया आपको बताया था ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है ओलिगोस्पर्मिया होता है लो स्पर्म काउंट ठीक है अगर लो स्पर्म काउंट है तो भाई इनफर्टिलिटी हो जाएगी हो सकता है आए 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 ना नो नो परमिया परमिया ही नहीं हो सकता है आए। लेकिन उनकी मोटिलिटी नहीं थी मोटिलिटी नहीं थी तो अच्छा मैं इधर आ जाती हूँ मोटिलिटी नहीं थी तो एस्थेनो स्पर्मिया ठीक है एंड सबसे बड़ी आज के टाइम पे जो रीजन आ रहे हैं सामने दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेस लेने से बहुत सारी चीजें हो रही हैं एडिक्शंस स्मोकिंग से बेटा स्मोकिंग एल्कोहल कंजम्पन स्पर्म काउंट बहुत कम होता है उससे एंड दैट इज द मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी ठीक है और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जिससे क्या होता है हॉर्मोन इम्बेलेंस होते हैं होंगे तो ऑब्वियसली ओविलेशन नहीं हो पाएगा स्पर्म नहीं बन पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं और कई बार ऐसा होता है सब टेस्ट हो गए सब कुछ हो गया कोई रीजन ही नहीं निकला अनोन देअ कुड भी अनोन रीजन नहीं पता क्यों हो रहा है

रेडी मेरे बच्चों सबसे पहली टेक्निक जो सबसे कॉमन है इसमें मूवी भी बन चुकी है बेटा विकी डोनर एक मूवी है

जस्ट फॉर एजुकेटिंग दो पीपल जिनके पास इसकी हिस्ट्री नहीं है जो मेडिसिन को इतना अच्छे से नहीं समझते हैं ठीक है जी yes. आप तो समझते हैं ये समझ कर भी ना समझ है चलिए तो कौन कौन सी होती है इन असिस्टेड रिपोर्डक्टिव टेक्नोलॉजी फटाफट से कर लेते हैं फर्स्ट वन इज वेरी कॉमन विच इज कॉल्ड एज आईवीएफ आईवीएफ स्टैंड इन विट्रो फर्टीलाइजेशन इन विट्रो का क्या मतलब होता है इन विट्रो मतलब इन आर्टिफिशियल मीडियम आर्टिफिशियल मीडियम आर्टिफिशियल मीडियम मतलब लैब में अगर कोई काम हो दो वर्ड्स होते हैं एक वर्ड होता है इन विट्रो और एक वर्ड होता है इन विवो इन विवो का मतलब होता है इन लिविंग सिस्टम इन विवो का मतलब होता है लिविंग सिस्टम में कोई काम होना जनरली अगर मैं इनफर्टाइल नहीं हूं तो अगर मेरी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इन विवो हो रही है, है लेकिन अगर मेरी बॉडी में नहीं हो रही है तो मैं इस प्रोसेस को बाहर भी करवा सकती हूँ यानी कि हम लोग फीमेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर्स को कुछ ऐसे हॉर्मोन्स देंगे एफ एस एच लाइक बेटा इंजेक्शन लगते हैं उस फीमेल को जिससे बेटा जी ओव्यूलेशन इंड्यूस होती है ओव्यूलेशन इंड्यूस होती है एक तरीके की वो सुपर ओव्यूलेशन होती है क्योंकि मल्टीपल एग्स बनते हैं उस समय पर ठीक है तो फीमेल से

ठीक है यहां पर बेटा जी अब इसी पेट्री डिश के अंदर क्या बनना शुरू हो जाएगा इसी पेट्री डिश के अंदर बेटा जी क्या बनना शुरू हो जाएगा बनना शुरू हो जाएगा क्या बनना शुरू हो जाएगा यानी कि आपने फर्टिलाइजेशन तो पेट्री डिश में करा दी कटोरी में लैब में टेस्ट ट्यूब में करा दी है ना तो इसीलिए इस टेक्निक को बोला जाता है आईवीएफ आपने फीमेल की बॉडी में नहीं कराया आपने पेट्री डिश में करा दिया अब इसके द्वारा अगर कोई भी बच्चा बनेगा

फीमेल के अंदर ट्रांसफर करा सकते हो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में जिसको बोलते हैं जिफ्ट जयगॉट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ठीक है इंट्रा ट्रांसफर या तो तुम क्या करा दो जिफ्ट करा दो या फिर अभी साइकॉट से तुम ना एम्ब्रियो बनने दो थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा एम्ब्रियो बनने दो डिवाइड होने दो एम्ब्रियो जब बन जाएगा तो भाई इस एम्ब्रियो का ईटी करा देना क्या करा देना ईटी ईटी माने एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या करा दोगे बच्चों एम्ब्रियो ट्रांसफर करा दोगे एम्ब्रियो ट्रांसफर किसमें करा दोगे फीमेल की यूट्रस में एम्ब्रियो ना फेलोपिन ट्यूब में डालेंगे इन द यूट्रस ऑफ फीमेल ठीक है जी दैट इज गोइंग टू बी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर इसको क्या बोल सकते हो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर तो इसको मैं यहां पर ही लिख देती हूँ इसको बोल सकते हो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आई यू इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर तो भाई दो तरीके हो गए ठीक है दो तरीके हो गए को मुझे ट्रांसफर कराने के आपने एम्ब्रियो भी बना लिया दो तो तीन हफ्ते तक एक दो हफ्ते तक वहां पर रखा एंड उसके बाद या तो आप या तो बेटा जी आप क्या करा दे रहे हो जिफ्ट ठीक है या फिर करा दे रहे हो आई यू टी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर जिफ्ट ऑब्वियसली उस एम्ब्रीओ को कराओगे जो कि अभी छोटे साइज का है छोटे साइज का मतलब देर आर लेस देन इक्वल टू एट ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोमियर समझ गए ना छोटे छोटे सेल्स को बोलते हैं लेस देन इक्वल टू ब्लास्टोमियर कब कराओगे कराओगे तब जब ब्लास्टोमियर का नंबर ना आठ से बत्तीस हो जाएगा ब्लास्टोमियर मोर देन एट है या फिर एट टू थर्टी टू नंबर में है तो आईवीएफ के बाद दो चीजें कराई जा सकती है आईवीएफ के बाद दो चीजें हो सकती हैं या तो तुम जायॉट में डाल दो फेलोपियन ट्यूब में डाल दो तो जिफ्ट हो जाएगा या फिर आप यूट्रस में डाल दो तो आईयूटी हो जाएगा इज दिस क्लियर

बनने के का का काम में नहीं हो सकता बच्चा जो बड़ा होगा वो मम्मी के वो मुबियसली आप ये दोनों चीजें इन विवो करा रहे हो दिस इज इन विवो मतलब आपने जायगॉट लिया और फीमेल की बॉडी के अंदर डाल दिया बाकी का डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी में होगा We are to एक दो हफ्ते तक का, का बॉडी में, में डालना पड़ेगा तो ये, ये आप फीमेल की बॉडी में डालते हो ये भी डालते हो ठीक है जी ये काम लैब में नहीं होगा फेलोपियन ट्यूब थोड़ा लैब में लाएगी अब कुछ बंदा वियर्ड आदमी ऐसे भी सोच सकता है कि मैम अगर आपने एग और स्पर्म बाहर निकाला है लैब में हो सकता है फीमेल का फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस भी बाहर निकाल लो इधर और यहां से यहाँ डाल रहे हो सब कुछ लैब में हो रहा है नहीं बेटा सब कुछ लैब में नहीं हो रहा ये काम आपने लैब में किया उसके बाद आप रियल मदर को लेकर आए अगर रियल मदर का फेलोपियन ट्यूब ठीक है तो जिफ्ट करा दिया मान लो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो आपने ये करा दिया ठीक है ब्लॉक्ड है तो आईयूटी करा दिया तो या तो रियल मदर के अंदर करोगे ये या फिर इफ द रियल मदर इज नॉट रेडी तो आप सरोगेट मदर के अंदर भी कर सकते हो ठीक है जैसे एग्जाम्पल हमने देखा मूवी में मिमी मिमी वॉज एगेट मदर दैट वॉज नॉट द रियल मदर बायोलॉजिकल मदर नहीं थी बायोलॉजिकल मदर ना होने का क्या मतलब है कि एग उसका नहीं था एग किसी और का और आ, किसी और का भी हो सकता है एंड यू कैन डू जिफ्ट और आई यूटी इन समर थर्ड फीमेल ऑल्सो ठीक है जी यस yes? तो ये काम किसी ना किसी जीती जागती फीमेल में ही किया जाएगा अभी तक इसको लैब में करने का एडवांसमेंट नहीं आया बट आ रहा है इस पर रिसर्च हो रहा है हम चाहते हैं पूरा का पूरा बेबी लैब में बन जाए

क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिफ्ट में ऐसे सवाल आएंगे ज़िफ्ट में फर्टिलाइजेशन इन विवो होती है या इन विट्रो जो बंदा जिफ्ट का फुल फॉर्म जानता है वो इसका आंसर दे सकता है वो इसका आंसर दे सकता है बताओ ज़िफ्ट इंट्रा इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर आपको यहाँ पर जायगॉट डालना है तो जायगॉट बनाओगे तो सरी कहां बनाओगे लैब में बनाओगे यानी कि आंसर क्या है आंसर क्या है इन विट्रो ठीक है फर्टिलाइजेशन कहा होगी इन विट्रो लैब लैब में में बनाओगे और में बनाकर डाल दोगे फेलोपियन ट्यूब में लेकिन क्या यह उस मदर के अंदर डाला जा सकता है जिसकी फेलोपियन ट्यूब फिलोपियन ट्यूबो ना भाई मान लो फेलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक्ड है तो वहां नहीं डालेंगे फेलोपियन ट्यूब शुड भी ओपन क्योंकि अपन लोग इसको यूज कर रहे हैं ना तो हेयर फेलोपियन ट्यूब शुड भी ओपन ठीक है ओपन

गैमेट फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज करेंगे यानी कि ये जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज गोइंग टू बी इन विवो अंदर हो रही है आपने बस गैमेट डाला गैमेट डाल दिया बाकी का काम सारा अंदर होगा ये टेक्निक भी तभी यूज हो सकती है इफ द फेलोपियन ट्यूब इज नॉट ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब शुड बी ओपन ओनली इन दैट केस ये वाली टेक्निक करी जा सकती है ठीक है जी यस तो इन फीमेल्स में करी जाती है जो नहीं बना सकती हैं तो आप डोनर से ले सकते हो, हो है ना? आप गया, दोनों आप दोनों लोग डोनर से ले सकते या एक कोई डोनर से ले सकते हो या अगर फीमेल की ओवरी अच्छे से काम नहीं कर रही आपने एक किसी और तरीके से किया टेक्निकोपियन ट्रांसफर जिसमें फिलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन होगी कोई डाउट कोई डाउट चले कोई डाउट नहीं नेक्स्ट आता है इक्सी क्या होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन फुल फॉर्म बहुत अच्छे से ध्यान देना है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी कि आपके पास एक पेट्री डिश में क्या प्रस्तुत है ओवा ओवम ठीक है जी ये प्रेजेंट है ये ओवम का साइटोप्लाज्म है अंदर इसका न्यूक्लियस है अब हो सकता है मेल पार्टनर मेल पार्टनर हैज सम इशू मे बी ही इज ओलिगोस्पर्मिक ठीक है ओलिगोस्पर्मिक है लो स्पर्म काउंट है ठीक है जी लो स्पर्म काउंट यानी कि अरे क्या हो गया ओलिगोस्पर्मिक अगर बेटा जी मेल पार्टनर का लो स्पर्म काउंट है तो क्या-क्या किया जा सकता है दो तरीके किए जा सकते हैं पहला एक्ससी नंबर वन वे एक्ससी कर देते हैं एक्ससी में क्या होता है आप एक बहुत छोटा सा इंजेक्शन लेते हो एंड लैब में आप इस एक ओवम के अंदर एक स्पर्म छोड़ देते हैं कर दो इंट्राट्रांसफर कर दो तो, इंट्रा तो, कुछ भी कर दो तो, क्योंकि लैब में कर रहे हो ना बेटा है ना ये मे, फीमेल की बॉडी में नहीं हो रहा कि, फीमेल की बॉडी में यहाँ ओवा है इंजेक्शन लिया स्पर्म है और यहाँ से घुसारे हैं नो एग इज ऑल्सो आउटसाइड स्पॉम इज ऑल्सो आउटसाइड बाहर हो रहा है सारा काम बाहर से बाहर इंजेक्शन लग रहा है एंड उसके बाद आईवीएफ करके उसको फीमेल की बॉडी में डाला जा रहा है ठीक है जी तो इस तरीके से एक सी किया जा सकता है इट्स अ लेबोरेटरी प्रोसीजर इन विच ओनली सिंगल खास बात इसकी ये है ओनली वन स्पॉम इज रिक्वायर्ड इट इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इन टू द एग एग में डायरेक्टली इसको डाल दिया जाता है एंड फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाएगा फीमेल की बॉडी में जी? तो इसमें ये वाला हो जाता है, का. लिया अच्छा और स्पर्म काउंट में क्या कर सकते हैं दूसरा तरीका भी है दूसरा तरीका भी है दूसरा तरीका है आप स्पर्म काउंट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये है आ, मैं यहां पर लिख देती हूँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आने वाले पेज पे करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या हो रहा है आपने मेल पार्टनर से मेल पार्टनर से सैंपल ले लिया। सैंपल कलेक्टेड ठीक है अब नेचुरल होता तो विद द हेल्प ऑफ पीनस हम इस सीमेंट को फीमेल की बॉडी में डालते हैं. बट यहां पर नेचुरली नहीं कर रहे हैं पर बेटा जी दिस इज इंट्रोड्यूस दीमेंट सैंपल इज आइर इंट्रोड्यूस इंटू कैथेटर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है यूट्रस में ठीक है या? या तो वजाइना तक आप इसको हेल्प कर दो सीमेन को पहुंचाने में या फिर यूट्रस तक कर सकते हैं कर सकते हैं इतनी हमारी टेक्निक एडवांस्ड जस्ट सेकेंड यार ये बंद होने वाला है सात बजे टेस्ट भी है पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है जी तो दो जगह कर सकते हो अगर आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बजाइना में की तो दैट इज गोइंग टू बी बजाइनल इनसेमिनेशन अगर आपने इंसेमिनेशन यूट्रस में की तो इसका एक नाम है दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा इंट्रा जिसको हम लोग बोलते हैं आई यू आई तो आई यू टी क्या था आईवीएफ के बाद का एम्ब्रियो ट्रांसफर का टेक्निक था इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर था आई यू आई क्या है इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन तो ये उनके लिए यूज किया जाता है जिनमें स्पर्म काउंट क्या है लो तो स्पर्म काउंट लो में दो चीजें हो सकती हैं एक तो एक सी दूसरा आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन यस यस आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन समझ आ गया ये किसको ज्यादा ही हंसी आ रही है साक्षी बेटा बहुत बहुत ज्यादा हंसी आ रही है इतना फनी तो मैंने जोक नहीं क्रैक किया ना ही मैंने कपिल शर्मा की मेरे में आत्मा आई है आप में सामने अर्चना मैम की आत्मा क्यों आ गई है बताएंगे यस, yes. बता दो चलिए अब जितना भी हम ये एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं ये देखो हमने आईवीएफ किया आईवीएफ के बाद जाएगॉट या फिर एम्ब्रियो को मदर में डाला हमने गिफ्ट में भी मदर में डाला जिफ्ट में भी मदर में डाला हो सकता है मदर की बॉडी रेडी ना हो इन ऑर्डर टू रिसीव दिस एमब्रियो जाएगॉट वो नहीं लेना चाहती है दो, दो केस हो सकते हैं या तो मदर लेना नहीं चाहती है ठीक है इंट्रा यूट्रेन इंसमिनेशन कर लिया या फिर बेटा दूसरा केस ये हो सकता है कि द मदर्स बॉडी कैन नॉट सपोर्ट ड्यू टू वन रीजन और द अदर उस केस में बेटा जी वी कैन गो विद सरोगेसी अब सरोगेसी जैसा कि मैंने बताया है एक आपको एक होती है बायोलॉजिकल पेरेंट्स सम, समझना एक होते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि मेल फीमेल जिनके हमने गैमिट्स लिए यहाँ से मैंने स्पर्म लिया यहां से मैंने ओवा लिया ठीक है जी फिर इनको फर्टिलाइज कराया ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स है एक तरीका है कि इनके द्वारा बनाया गया या फिर एम्ब्रियो को हम इसी की मम्मी में डाल दें इसी फीमेल में डाल दें एक तो ये है है ना किसी ना किसी में तो ही है ना क्योंकि बाकी की ग्रोथ आप लैब में नहीं करा सकते हो दूसरा तरीका ये है इफ द फीमेल इज नॉट रेडी इफ द बायोलॉजिकल मदर इज नॉट रेडी और इफ शी डज डॉट वॉन्ट और इफ शी इज नॉट अवेलेबल उस केस में बेटा वी कैन डू दिस इन एनी सम अदर फीमेल आल्सो इन सम अदर फीमेल टेक्निक को हम लोग बोलते हैं सरो तो अगर ये वाली फीमेल चाइल्ड बेर नहीं कर सकती है या फिर नहीं करना चाहती है उस केस में आप सरोगेट फीमेल की मदद ले सकते हो सरोगेट फीमेल को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा प्रेगनेंट किया जाता है, है ना ये चीज आप इस फीमेल की यूट्रस में डाल दो

बॉडी खराब हो रही थी इंप्लीकेशन हो रहे थे हेल्थ जो कि लोग समझ नहीं रहे थे इसको बिजनेस बना तो ये बात होगी मेरी सरोगेसी की हाँ जी तो क्या आर्ट से कोई प्रॉब्लम है आर्ट से ये सारी टेक्निक्स हमने कौन सी करी सारा चैप्टर हो चुका है बेटा सारी टेक्निक्स बेटा जी हमने कौन सी करी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आठ का खास बात क्या है खास बात तो ये है कि यहाँ पर एक उम्मीद मिलती है उस कपल को भी जो कि इनफर्टाइल है लेकिन बेटा ये उम्मीद बहुत महंगी है इट इज अ कॉस्टली अफेयर हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता वन राउंड ऑफ आई वी एफ इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल विल कॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज आप इमेजिन करिए लाखों रुपए देने पड़ जाते हैं एक राउंड ऑफ आई वी एफ के लिए एंड सक्सेस रेट इज नॉट मोर देन ट्वेंटी परसेंट बीस परसेंट से ज्यादा बेटा सक्सेस नहीं होता फेल हो जाता है फिर दोबारा आईवीएफ कराओ दोबारा एक तो फाइनेंशियल लोड है कपल के ऊपर दूसरा बेटा मेंटल लोड भी है एक मेंटली आदमी प्रिपेयर होता है कि शायद अब होगा अब होगा अब होगा लेकिन वो होता नहीं है यू you नो know, अगर हो ना पाए तो मेंटली भी एक स्ट्रेस डालता है तो इट्स अ कॉस्टली वन मेंटल ट्रॉमा रहता है इसमें साथ में प्लस बड़े बड़े शहरों में ही उपलब्ध है अभी इतना ओपनली छोटे शहरों में और गाँव में अवेलेबल नहीं है प्लस मेनी पीपल आर नॉट ओपन कंसिडरिंग दिस उनको लगता है कि मदद से शायद नहीं करना चाहिए बहुत सारे इमोशनल रीजन है सोशल रीजन है कुछ रिलीजियस रीज रीजन भी है जो कि जिसकी वजह से कपल डो नॉट गो फॉर दिस इन सबका एक आसान सा समाधान है अडोप्शन है ना अगर पर्सन डज नॉट वॉन्ट्स टू गो फॉर आई वी एफ एंडल टू गेट प्रेक्न गो फॉर अडोप्शन आज के समय पर बेटा हमारे कंट्री में तो आई नो देर आर मेनी मेनी ऑर्फनेज सेंटर्स जहां पर बहुत अनाथ बच्चे हैं वेटिंग फॉर पेरेंट्स चाइल्ड इसीलिए हम नहीं रखेंगे बायोलॉजिकल बेटा नहीं है हमारे जींस नहीं है हमारी फैमिलीज अलाउ नहीं करती दिस एंड दैट दिस एंड दैट तो उसके लिए बहुत ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है वेरी सोशल नोबल नोबली हेल्पफुल बेटा जो प्रोसेस होगा दैट शुड बी अडॉप्शन एंड कपल्स को वो करना चाहिए इफ दे आर डायग्नोस्ड विद इनफर्टिलिटी एंड इफ दे वांट अ चाइल्ड ठीक है जी बाकी इट्स अ पर्सनल चॉइस ऑफ एवरी कपल व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे डोंट वांट सारे सब चीजों के तरीके हैं एंड विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है एमटीबी कर लिया एसटीआई कर लिया आईबीएफ अडॉप्शन सब बच्चों सब बातों के बारे में हमने बात कर ली सब चीजें मतलब एक एक चीज आपकी डिस्कस हो चुकी है एक एक चीज नॉट अ सिंगल थिंग लेफ्ट इसी तरीके से हम एक एक चैप्टर करने वाले हैं इस क्रैश कोर्स में स्प्रिंट सीरीज में आई रियली वांट आप इसका एक भी क्लास मिस ना करें एक भी अब सात बजे मिलेंगे अगले बीस मिनट के बाद यहां पर मैंने क्लास पिन की है चैट बॉक्स में कुछ को यहाँ दिख रहा है कुछ को यहाँ कोई तो भी मिस नहीं करेगा उस सेशन को वेरी इंपॉर्टेंट एंड परसों में एस आर एफ पी शुरू करूंगी सेक्शुअल रिपोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स हम एक दिन के गैप में परसों शुरू करेंगे थोड़ी लंबी क्लासेस हो रही है ना तो वन डे गैप में कर रहे हैं ठीक है जी तो परसों के लिए सब लोग रेडी रहना एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो सब बच्चे कॉमेंट जरूर करके जाएंगे लाइक जरूर करेंगे मैं देख रही हूँ बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं है है ना लाइक मेथड ऑफ अटेंडेंस मुझे पता चलता है कि यस यू यू वर देयर अटेंडेड द होल क्लास और अगर आपको अच्छी लगती है सेकेंड अटेंडेंस एक कॉमेंट में जरूर लगा कर जाइएगा साथ ही में साथ ही में बेटा बहुत सारे बैचेस बैचेजेडमी के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जैसे कि लक्ष्य बैच है अ, अर्ली एंथ्यूज बैच है 2024 2025 के लिए इन सब बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको एक सिंगल कोड लगाना है दैट इज सीप लाइफ इससे क्या होगा जो करंटली चल रहा होगा ऑफर वो भी मिल जाएगा एंड साथ में फ्यूचर में क्रैश कोर्स वहां पर भी आएगा बेटा ऐसा नहीं है हम क्रैश कोर्स सिर्फ यहाँ करेंगे we'll do a crash course there also. वो क्रैश कोर्स में वो भी आपको दिखने लग जाएगा ठीक है जी यस चलिए एंड हम लोग मिलेंगे अब सात बजे एंड परसों एस आर एफ पी दैट इज सेक्शुअलोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट मेक श्योर दैट यू आर कॉमेंटिंग ऑन दिस अगर आपको कोई भी मेरा पुराना लेक्चर देखना हो पिछले साल का देखना हो किसी इलेवन ट्वेल्थ के बच्चे ने देखना हो सिंपली आपको गूगल पर जाना है एंड गूगल से पूछना है कि भाई सीप मैम का लिंक्री क्या है सीप पाउजा लिंक्री वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स अरेन्ज सिक्वेंशली मी लिंक ट्री ठीक है जाना है और उसको खोल के देखना है सबसे आप उसके कमेंट्स देख लो बस कुछ नहीं समझ आता लिविंग वर्ल्ड खोलो कमेंट्स देख लो आपको खुद पता चल जाएगा कितने बच्चों ने जो कि कहीं का कोर्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे उन्होंने अपना सारा सिलेबस वहां से किया है बेस्ट लेक्चर है बेटा जरूर उनको देखिए मान लीजिए आपको जेनेटिक्स रिवाइज करनी है इकोलॉजी करनी है बायोटेक देखा ही नहीं है तो वेट थोड़ा करोगे वहां से करके निपटा दोगे तो जो जो तुम्हारा टफ है प्लांट फिजियोलॉजी है वहां से करके निपटा डालो अब समय नहीं है क्रैश में यहां पर आएगा तब रिवाइज हो जाएगा ठीक है जी चलिए तो एक कॉमेंट सब बच्चे करके जाएंगे कॉमेंट नहीं करोगे तो सीरीज आगे नहीं जाएगी ठीक है मैं इसको बंद कर रही हूँ डू राइट अ कॉमेंट लाइक दिस वीडियो एंड प्रैक्टिस इट सात बजे मिलने वाले कल भी इसका प्रैक्टिस सेशन होगा आज भी है एंड परसों हम लोग एसआरएफ पी स्टार्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच गाइस टेक केयर